स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ईएमआई निकालना सीखा था और आज हम व्यू टैब को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे व्यू टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्या होता है कि आपको पूरी की पूरी शीट यहाँ पे दिखेगी। जब आप यहाँ से देखिए छोटा करोगे ना, यहाँ से स्लाइड बार आपको मिल जाएगा, जूम बार, छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। तो आपको पूरी शीट दिखेगी यहाँ से, जितने कॉलम होंगे, जितने रो होंगे, वो सब यहाँ पे आपको एक बार में आपके डेस्कटॉप पे प्रीव्यू होगा। ओके, सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है पेज लेआउट व्यू। मीन्स पेज लेआउट के अंदर आपको पेजेस दिखेंगे कि आपके शीट में कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े पेजेस हैं। तो जो देखिए, मैं यहाँ पे तो छोटा करता हूँ यहाँ से, तो देखिए आपको सारे के सारे पेजेस दिख रहे हैं जहाँ जहाँ हमने काम किया। देखिए हमने एक यहाँ काम किया है, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। देखिए शीट वाइज आपको दिखने लग जाएगा, जिससे कि आप ये पता लगा सकोगे कि आपकी पहली शीट कहाँ से लेके कहाँ तक की है। ठीक है, जैसे कि देखिए मेरी पहली शीट यहाँ से लेकर के एच तक के कॉलम तक है। ओके, और रो में कहाँ तक है, 50 रो तक है। ओके, अगला है पेज ब्रेक प्रीव्यू। मीन्स पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब ये होता है आपका कि जितना आपने काम किया होगा उतना ही आपको शो होगा। जैसे कि देखिए हमने इतना काम किया यहाँ तक, तो मेरे को बस इतना ही दिखेगा, बाकी का कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ पहले, देन उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो जो देखिए जहाँ तक हमने काम किया था, जो हमने काम किया है, सिर्फ वहीं तक की शीट आपको दिखेगी। उसके बाद का कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा, इसका कलर पूरा का पूरा अलग ही हो जाएगा। बेशक शीट यहीं पर ही है, लेकिन आपको शो नहीं कराई जाएगी, सिर्फ आपको इतना ही दिखाई देगा। ओके, अगला ऑप्शन है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का इस्तेमाल आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। पहले इसे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। अब जैसे कि कस्टम व्यू में क्या होता है कि आप एक कस्टम व्यू के अंदर किसी भी सेल को सेव करके रख लोगे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, यहाँ पर सबसे नीचे, यहाँ देखिए मैंने 200 जो नंबर है यहाँ पर क्या किया, कुछ मैंने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। जैसे कि मैंने कुछ भी डेटा लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया अमित, ये अमित क्या है, मेरा एक डेटा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की कुछ जो कस्टम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं देखना चाहता हूँ बार बार। ठीक है, तो आप क्या करो, इतनी एड्रेस को, इतने आपका जो सेल है, इतने सेल को, इतने सेलेक्टेड एरिया को आप कस्टम व्यू में ऐड कर लो। देखो मैंने कस्टम व्यू पर गया, यहाँ मैंने ऐड पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ किसी भी नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा का नाम दे दिया। ओके, और यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। तो क्या होगा, जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया है, ये मेरे कस्टम व्यू में अमित सॉरी डेटा के नाम से ऐड हो गया है। अब अगर मैं सबसे ऊपर हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ऊपर हूँ और मेरे को वही उसी जगह पर जाना है, वही मेरे को सेल्स देखने हैं, तो मैं क्या बार बार स्क्रॉल करूँगा? नहीं, आपको बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप कस्टम व्यूज़ में जाओगे और जिस नाम से आपने उस व्यू को सेव कर रखा होगा, उसे आप शो पे क्लिक करवा दो। जैसे ही शो करोगे, देखिए आपका वो यहाँ पे शो हो जाएगा, वहाँ पे आपकी शीट ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पे शो हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे फुल स्क्रीन व्यू पे। फुल स्क्रीन में आप अपने इस शीट को पूरी फुल स्क्रीन के अंदर देख सकते हो। ठीक है, और एस्केप का बटन आप दबाओगे तो आपकी फुल स्क्रीन नॉर्मल लेआउट में आ जाएगी। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेल में कितने टाइप्स के व्यूज़ होते हैं, तो आप मुझे बताओगे, आप उन्हें बताओगे कि 5 टाइप्स के व्यूज़ होते हैं, और किनका क्या काम होता है ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ये देखिए, सबसे पहला अगला ऑप्शन यहाँ पे है रूलर। रूलर कब शो होता है, जब आप पेज लेआउट में काम करते हो। जैसे कि देखिए मैंने पेज लेआउट को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए यहाँ पे ये रूलर लग चुका है। आप इस रूलर को यहाँ से ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। ये देखिए ऑफ़ किया मैंने, तो देखिए ऑफ हो गया, और ऑन किया तो यहाँ से ऑन हो गया। वापस से आ जाता हूँ मैं नॉर्मल व्यू में, और अगला है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस में देखिए, जो आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, आप इसे हाइड कर सकते हो। इस पर क्लिक कर दो तो देखिए ग्रिड लाइंस आपकी गायब हो जाएंगी। उसके बाद अगला आता है फार्मूला बार। अब जरा देखिए, जैसे मैंने इस पे जो फार्मूला लगाया है वो कहाँ दिखता है, यहाँ पे। इसे आप क्या बोलते हो, फार्मूला बार। ओके, मैं चाहता हूँ ये फार्मूला बार यहाँ दिखाई ना दे, तो आप फार्मूला बार को यहाँ से हाइड कर दो। देखो हाइड हो गया, वापस से लाना चाहते हो उसे चेक कर दो, आ जाएगा। नेक्स्ट है हेडिंग्स।
अब हेडिंग्स किसे कहते हैं, जो आप ये देख रहे हो ए बी सी डी 1 2 3 4, इसे आप हेडिंग्स बोलोगे। आप इसे हाइड करना चाहते हो तो आप इसे क्लिक कर दो, देखो आपके ए बी सी डी वगैरह जो भी आएगा हेडिंग्स आपकी गायब हो जाएंगी। ओके, अगला ऑप्शन यहाँ आपको मिलता है जूम का, तो आप जूम पे क्लिक करो, कितने परसेंट में आप जूम करना चाहते हो उसे सेलेक्ट करके ओके करो। तो देखो मैंने 25 में सेलेक्ट किया और जूम किया, तो देखिए 25% ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। वापस से जाता हूँ, या फिर अब मैं 100 में जूम करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दो, आपका 100% में जूम हो जाएगा। अगला है जूम टू सिलेक्शन, मतलब मैं चाहता हूँ कि जितना सेलेक्ट करूँ उतना मेरी पूरी स्क्रीन में जूम होके आ जाए, तो मैं चाहता हूँ ये पूरा टेबल जूम होके मेरी इस शीट पे आ जाए, तो मैंने जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया सेलेक्ट करके। तो देखिए पूरी जो सिलेक्शन जितनी मैंने करी थी उतनी मेरी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली जूम होके उतना आ चुका है। ओके, अगला क्या है, न्यू विंडो। अभी देखिए मेरे यहाँ पे एक विंडो ओपन है जो कि आपको दिख रही होगी, मैं चाहता हूँ इसकी ठीक डुप्लीकेट विंडो एक ओपन करना, तो आप इस न्यू विंडो पे क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे एक विंडो जो है ओपन हो गई होगी इसी की ठीक डुप्लीकेट। देखिए इसका नाम है, जो ओरिजिनल वाली है उसका नाम है बुक 1.1, और जो डुप्लीकेट अभी जनरेट हुई है उसका क्या नाम है, बुक 1.2। अगर आप एक और जनरेट करोगे तो इस पर क्लिक करो, तो एक और देखो जनरेट हो गई होगी। देखो मैं यहाँ लेके जाता हूँ कर्सर, देखो आपको तीनों के तीनों जो विंडोज़ है वो शो हो रही है, देख रहे हैं ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, अब जितनी भी मेरी विंडो ओपन हो रखी है अभी वो सब एक ही स्क्रीन पे शो हो जाए, तो उसके लिए आप अरेंज ऑल ऑप्शन को यूज़ करोगे। इस पर क्लिक करो, अब आपसे पूछ रहा है आप टाइल में अरेंज करना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में या कैस्केड में, तो मैं इसे टाइल में ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए टाइल में देखिए फर्स्ट एरी, सेकंड एरी और ये थर्ड एरी आ गया ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अभी देखिए ये क्या है, मेरी हेडिंग है मंथ प्रिंसिपल वैल्यू ईएमआई इंटरेस्ट क्या है, मेरा ये हेडिंग है। जैसे मैं इसे ओके मैं इसे ज़रा थोड़ा बोल्ड करके सेंटर कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये भी बोल्ट हो गया, मैं इसे अनबोल्ट कर देता हूँ ठीक है। तो अभी ये जो है ये क्या है, मेरा हेडिंग है, लेकिन देखिए जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ तो हेडिंग कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, दिखती नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ हेडिंग यहीं की यहीं रहे, जो मेरा 1 2 3 जो डेटा है ये स्क्रॉल अप हो स्क्रॉल डाउन हो, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, आप जाओ व्यू ऑप्शन में फ्रीज पेंस ऑप्शन को चूज़ करो और यहाँ से फ्रीज टॉप रो को चूज़ कर लो। अब आप कभी भी स्क्रॉल अप करोगे तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए जो मेरी हेडिंग है वो वहीं की वही है, जिससे मुझे पता चल रहा है ये मंथ है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ईएमआई है और ये इंटरेस्ट है। ओके, अगला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे स्प्लिट। ओके, सबसे पहले हम अभी क्या करेंगे, जो आपने फ्रीज किया है इसे आप अनफ्रीज कर दो यहाँ से, अनफ्रीज पेंस, तो ये पहले जैसा हो जाएगा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट के ऑप्शन को जानेंगे। मैं चाहता हूँ अपनी शीट को यहीं से ब्रेक कर देना, ब्रेक कर, नहीं एक तरीके से स्प्लिट करना चाहता हूँ ठीक है। आप स्प्लिट करोगे यहाँ पे क्लिक करके, तो देखो आपको दो विंडो ऐसे ही मिल जाएगी, आपका डेटा यहीं से स्प्लिट हो गया। इसका मतलब आप अपने डेटा को इस वाले विंडोज़ में भी देख सकते हो और उसी डेटा को इसमें भी देख सकते हो। जैसे कि ये क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे आपका कुछ डेटा आप फर्स्ट रो से देख रहे हो तो आप अपनी फर्स्ट रो को इसमें खोल लो इस वाले में ठीक है इस तरह से, और नीचे आप काम कर रहे हो तो इसी शीट में, तो आप यहाँ से नीचे काम भी कर सकते हो। अगर मैं देखो यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे अमित टाइप किया, तो ये अमित इस शीट में टाइप होगा क्योंकि जो ये दो खुले हैं ये दोनों एक ही है। ये देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको स्क्रॉल करके देख रहे हैं, और अगर देखो मैं यहाँ से डिलीट करूँगा देखो नीचे से भी डिलीट हो जाएगी। बस ये देखने के लिए आपको स्प्लिट ऑप्शन बनाया गया है। ओके, अनस्प्लिट कर दो इसे, हटा दो, हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड करने के लिए। तो देखिए अभी मैं किस शीट पर काम कर रहा हूँ, शीट नंबर 1 पे, मैं चाहता हूँ ये हाइड हो जाए, तो आप हाइड पे क्लिक करो तो देखो शीट नंबर 1 आपकी हाइड हो गई होगी। शीट नंबर 1 क्या, देखो पूरी वर्कबुक ही हाइड हो गई है आपकी, ये दो डुप्लीकेट वाली वर्कबुक ओपन है देखिए 1.2 1.3। मैं चाहता हूँ अब उसे अनहाइड करना, तो आप अनहाइड पे क्लिक करिए, देखिए आपकी ये बुक नंबर 1 जो है यहाँ पे आ गई है, आप इसे अनहाइड कर लीजिए। तो ये देखिए आपकी बुक 1 अनहाइड हो गई है। अब जानते हैं व्यू साइड बाय साइड को। जितनी भी आपकी विंडोज़ खुली होंगी इस तरह से,
ये साइड बाय साइड आपको प्रीव्यू हो जाएंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ओके करता हूँ तो देखिए साइड बाय साइड यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको शो हो गई। आप यहाँ से रीसेट विंडो पोजीशन की आप रीसेट कर सकते हो विंडो की पोजीशन अगर आप इसे इधर उधर करते हो तो। देखो ठीक है, आया समझ में? उसके बाद मैं इसे अभी फ़िलहाल ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो जितना भी आपका वर्क स्पेस है उसको आप अलग तरीके से सेव कर सकते हो। यहाँ से आपकी सिर्फ जो शीट आप देख रहे हो सिर्फ शीट आपकी जो होंगी वो सेव होंगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, वर्क स्पेस। अभी जैसे मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ EMI के नाम से और इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी वर्कशीट थी मैंने उसे सेव किया, ना कि बुक को सेव नहीं किया, मैंने वर्कशीट को सेव कर लिया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है आपने सेव कर लिया वर्कशीट को तो क्या आप इसको भी सेव करना चाहोगे? मैं कहा नहीं, अभी मेरे को सेव नहीं करना, मैं अभी फ़िलहाल इसे कैंसिल ही कर देता हूँ। तो जो देखिए मेरे यहाँ पर एक वर्क स्पेस आ गया होगा। ओके यहाँ पर आया नहीं है, ये EMI की फ़ाइल है ऑलरेडी। मैं क्या करता हूँ इसको वापस से आपको सेव करके दिखाता हूँ। सेव वर्क स्पेस पर जाऊँगा और यहाँ पे चलो इसे रिज्यूम के नाम से ही सेव करते हैं, ठीक है। वापस से सेव करने को कह रहा है आपको, कोई बात नहीं आप सेव कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका एक तो वर्क स्पेस जो है आपका वो सेव हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि जो आपने अभी वर्क स्पेस सेव किया है तो वर्क स्पेस सेव करने से पहले आप अपने इस बुक वाले को भी सेव कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वाला जो बुक है वो आ रहा है 1.2। तो मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ EMI 2 के नाम से, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे देखिए EMI 2 के नाम से आपकी फ़ाइल सेव हो गई और यहाँ पे आपकी रिज्यूम के नाम से वर्कशीट जो है वो सेव हो गई है, ठीक है। वर्क स्पेस आ जाइए वापस से एक्सेल में। अगला ऑप्शन आपको मिलता है स्विच विंडोज़, जो भी आपने अभी विंडोज़ खोली हैं जैसे तीन विंडोज़ देखिए यहाँ पे ओपन हो रही है, आप इसे स्विच कर सकते हो। अभी देखिए मैं 2.1 पे हूँ, मैं चाहता हूँ 2.2 पे जाना, इस पर क्लिक कर दीजिए, देखिए 2.2 यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, स्विच कर सकते हो। अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे मैक्रोज़, ठीक है। मैक्रोज़ एक अपने आप में बहुत ही अलग टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है मैक्रोज़ अपने आप में, लेकिन हम इसका एक छोटा सा ऑप्शन सीखेंगे। तो हम मैक्रो में फ़िलहाल अभी रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ एक वर्ड रिकॉर्ड करना एक्सेल, तो आप सबसे पहले क्या करो मैक्रोज़ पे क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आओ नीचे और यहाँ देखो रिकॉर्ड मैक्रो का आपके एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ मैक्रो का नाम दे दो, जैसे मैंने नाम दे रखा है Macro 1। अब आप उस मैक्रो को चलाने के लिए एक शॉर्टकट की असाइन करो, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट की असाइन कर देता हूँ Ctrl W, ठीक है, मैंने असाइन कर दी Ctrl W और ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी यहाँ टाइप करूँगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ टाइप किया MS Excel, ओके, देन उसके बाद मैं यहाँ आया और अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। अब जब भी मैं Ctrl W प्रेस करूँगा तब तब ये एक्सेल का वर्ड मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ कैसे रखा, मैं Ctrl W प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया Ctrl W, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको डिलीट करने के लिए आप जाओगे व्यू मैक्रो में और जो आपने मैक्रो पहले से सेव किया होगा आप इसे डिलीट कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब मैं अगर Ctrl W प्रेस करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ये देखिए, बल्कि Ctrl W से होता क्या है, आपकी जो विंडो होती है वो क्लोज़ हो जाती है। अभी देखो मैं इस पर करता हूँ Ctrl W किया, देखो क्लोज़ हो गई, पूछ रहा है आपसे सेव करना है या नहीं, तो मैंने डोंट सेव कर दिया। तो ये आपकी जो आपकी वर्कशीट है वो देखिए यहाँ पर क्लोज़ हो चुकी है, ओके। तो मैं यहाँ से उसी वर्कशीट को पहले ओपन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा फाइल में, ये रिज्यूम नाम की जो वर्कशीट बनाई थी इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, देखिए ओपन हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब तो वैसे सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके ख़त्म ही हो गए हैं, पूरा का पूरा अब आपका जो एक्सेल है वह पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से पावर पॉइंट को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं, पावर पॉइंट का आज पहला वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर है, तो हम कुछ पावर पॉइंट के बारे में पहले जान लेते हैं।
तो मैं आपको बता दूं, जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है हमारा, ये रहा मेरे पास, ये देखिए। ओके, यहाँ पे अवेलेबल है कहीं? ओके, यहाँ नहीं है। हम यहाँ देख लीजिए, आप किस तरह से ओपन करोगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो आपका पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब जैसे कि कोई नोट्स हैं, या फिर आप किसी कोचिंग सेंटर में हो और आप कोचिंग सेंटर के अंदर आपके पास कई सारे कोर्सेज़ हैं, तो आप उस कोर्स को किस तरह से यूज़र को बताओगे, किस तरह से उसे प्रेजेंट करोगे, उसी चीज़ को प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आज मैं आपको करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको हमारे इस पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम का फोल्डर दिखाई देगा। जो देखिए कहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये रहा, इसमें जाइए और यहाँ पे आपको पावर पॉइंट नाम का एक सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और ये देखिए यहाँ पे, ये रहा ऊपर, मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है वैसे। आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करिए तो आपका पावर पॉइंट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड है ओपन करने का, वो भी देख लीजिए। आप अपने कीबोर्ड से स्टार्ट का बटन दबाए रख करके आर बटन को प्रेस करोगे, जिससे कि रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप टाइप करोगे पावर PNT, पावर PNT, ठीक है, और आप ओके करोगे, जिससे कि आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये होती है, यहाँ पे देख रहे हैं, इस पेज को बोलते हैं क्या, स्लाइड्स। जो पावर पॉइंट होती है उसमें पेजेस ना होकर के एक तरीके के स्लाइड बोला जाता है पेजेस को। ओके, और अगर आपने हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वीडियो को अच्छे से देखा है, उसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसको अच्छे से आपने सीखा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेक्स्ट बॉक्स का चैप्टर नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, देन उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ देखिए पहली स्लाइड आपकी आ रही है, इसमें ये ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स ही ऐड हो रखा है। ये पहला टेक्स्ट बॉक्स, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। अब आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स का कैसा यूज़ करना होता है। अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करने वाला हूँ, जिस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊँगा कि मेरे इस इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ और उस प्रेजेंटेशन को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो ये पहली स्लाइड आ रही है, इसका ना आप जो लेआउट है उसे चेंज करिए। तो देखिए यहाँ पर लेआउट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा होम टैब के अंदर ही। आप यहाँ आइए, देखिए कई तरीके के आपको यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी ब्लैंक लेआउट को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा ब्लैंक आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स से ही लिख पाओगे। ऐसे आप क्लिक करोगे तो कुछ भी कर्सर नहीं आएगा। आप यहाँ आइए, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक आप अपने लिए एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अपने इंस्टीट्यूशन का नाम। तो जैसे कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया अपने इंस्टीट्यूशन का, STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, इसको सेंटर कर लीजिए, मैंने कंट्रोल ई से सेंटर कर लिया, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा, इसका जो साइज़ है उसे मैं बड़ा करूँगा। तो साइज़ को मैंने सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ से मैं इसका साइज़ डिफाइन कर देता हूँ फिलहाल। ओके, कुछ भी मैं इसका साइज़ डिफाइन कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे। साइज़ डिफाइन किया, फॉर्मेट में आ करके आप यहाँ से इसका टेक्स्ट इफेक्ट भी दे सकते हो जैसा आपको चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से कोई बढ़िया सा एक स्टाइल टेक्स्ट का इफेक्ट यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से कोई सा भी चूज़ कर लेता हूँ, जैसे यही, इसी को चूज़ कर लिया। ओके, या हम इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यही सही लग रहा है, इसको देखिए मैंने चूज़ कर लिया। अब आप इसे बड़ा कर सकते हो, और भी इटैलिक वगैरह करना चाहो तो आप इटैलिक भी कर सकते हो, अब आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ से इसका जो फॉन्ट स्टाइल है मैं उसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा, कि आपका जो ये टेक्स्ट है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने पाए। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ से देख लेता हूँ कोई बढ़िया सा मेरे को यहाँ टेक्स्ट मिल जाता है तो फॉन्ट चूज़ कर लीजिए, जैसे ये भी है। फॉन्ट देखिए आपके पास काफ़ी सारे होने चाहिए जिससे कि आप एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन को क्रिएट कर पाओ।
तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छे तो सारे ही लग रहे हैं वैसे। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसे चूज़ कर लिया। मैं इसे थोड़ा सा नीचे रखूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे अपने लोगो को भी इंसर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप अपना लोगो भी इंसर्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नाम ही लिखना है सिर्फ, तो आप यहाँ पे सिर्फ नाम भी लिख करके छोड़ सकते हो। मैं चाहता हूँ जो STP कंप्यूटर एजुकेशन, ये तीन तीन अलग अलग लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक ही, ये दो लाइन में आए, STP कंप्यूटर एक लाइन में आ जाए और एक लाइन में एजुकेशन आ जाए। तो मैं इसे इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाऊँगा जिससे कि ये एक ही लाइन में ऐसे देखिए आ जाएगा। उसके बाद आप इसे सेट कर सकते हो। इसका साइज़ और बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इतना बड़ा काफ़ी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लोगो इंसर्ट करने वाला हूँ। तो आप इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर्स ऑप्शन को चूज़ करोगे और यहाँ से आप अपने किसी भी लोगो को, जिस लोगो को आप चाहते हो इंसर्ट करना, उसे इंसर्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके अपने लोगो को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला न्यू STP लोगो PNG फॉर्मेट में है, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने इंसर्ट कर लिया, इसे बहुत बड़ा आया है, मैं इसे छोटा कर लेता हूँ यहाँ से साइज़ को कुछ इस तरह का, और इसे यहाँ पे सेट कर दूँगा। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो रेड कलर है वो इस पिक्चर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आपको मैचिंग थोड़ा कलर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसका कलर जो है वो चूज़ कर लेता हूँ कुछ दूसरा, जैसे कि वॉलेट या फिर पिंक कलर जो है। मैं इस मोर कलर्स ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से कलर को चूज़ करके देखूँगा। ये सही लग रहा है? नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा। ठीक है, ये सही लग रहा है आपका? ओके, ये सही लग रहा है। लेकिन इसका जो ये आपने फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है, जो ये ज्योमेट्रिक कलर, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ राइचीशियस, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी देखिए एक फॉन्ट यूज़ हो रखा है राइचीशियस। तो आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए, ये नहीं कि आपका यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और है। तो डिज़ाइन जब आप बनाओ तो एक मिलता जुलता आपको डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर मैं राइचीशियस फॉन्ट को चूज़ कर लेता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे परफेक्टली मैच कर रहा है, देख रहे हैं आप। अब ये तो बन गई मेरी पहली स्लाइड। जैसे कि कोई आए, अब मैं उसको दिखाऊं, तो सबसे पहले ये मेरा इंस्टीट्यूशन का जो नाम है कुछ इस तरह से शो हो लोगों के साथ। फिर अब मेरे को एक न्यू स्लाइड लेनी है यहाँ पे, क्योंकि मैं दूसरे पेज पे कोर्स को दिखाना चाहता हूँ। तो आप क्या करिए, Ctrl+M प्रेस करोगे न्यू स्लाइड के लिए। देखो Ctrl+M प्रेस किया, देखिए न्यू स्लाइड आ गई एक मेरे पास। आप अगर आप इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहीं से सेलेक्ट करो, डिलीट का बटन दबाओ, डिलीट हो जाएगी आपकी स्लाइड। ओके, और यहाँ से भी देखिए आप न्यू स्लाइड को ले सकते हो। लेकिन अब जब यहाँ से लोगे तो यहाँ पे आपको कई सारे लेआउट भी देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये वाला जो सेकंड टाइटल एंड कंटेंट का लेआउट है, इस लेआउट को चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए लेआउट मेरे पास पहले से ही टेक्स्ट बॉक्स बने पड़े हैं, तो मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा। इस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं अपने कोर्सेज को यहाँ पे शो करूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा COURSES, कोर्सेज को मैंने यहाँ लिख लिया है और मैं इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लूँगा। डिज़ाइन करने के लिए मैं यही फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ कोर्सेज का। और यहाँ पर फॉर्मेट में जाके अगर आपको ये टेक्स्ट इफेक्ट लगाने हैं तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट इफेक्ट्स को भी चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद आए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी यही वाला जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है फर्स्ट में, इसी को यहाँ पे भी मैं लगाने वाला हूँ। तो कैसे लगाऊंगा, आप क्या करो, इसके डिज़ाइन को, इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लो। याद होगा मैंने आपको फॉर्मेट प्रिंटर करवाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो क्या करता था, आपके जो आपने डिज़ाइन किया है उसको कॉपी कर लेता था डिज़ाइन को, और दूसरे टेक्स्ट पे आप उसे पेस्ट कर पाते थे। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको डिज़ाइन को देखिए फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इस कोर्स वाले ऑप्शन पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए पेस्ट हो गया, सेम टू सेम डिज़ाइन। इसका साइज़ थोड़ा मेरे को छोटा करना होगा, मैं इसका साइज़ थोड़ा 72 से ओके इतना करता हूँ 54। अभी देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि इसमें जो आउटलाइन थी वाइट कलर की वो यहाँ पे नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आउटलाइन लगा लेंगे। आउटलाइन लगाने के लिए आप जाइए फॉर्मेट में, देखिए टेक्स्ट आउटलाइन का यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है,
आप यहाँ पे आके वाइट कलर से आउटलाइन लगा लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे अपने कोर्सेज को ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा। आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो और उसी के हिसाब से आपको सारे काम करने हैं, ठीक है। मैं इसमें भी एक बार देखता हूँ कलर चेंज करके क्या ये अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो हम यूज़ करेंगे, वरना नहीं, ठीक है। वैसे अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लू वाले कलर को ऊपर वाले में डाल दूँगा और इस पिंक वाले को इसी नीचे में रहने दूँगा। तो मैं इसमें कर देता हूँ ब्लू कलर, तो ये काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिखेगा, मैच करता हुआ मिलता जुलता आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब इस पर आ जाइए। अब यहाँ पे जो जो कोर्स हम करवाते हैं उन सभी कोर्स को मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। सबसे पहला कोर्स है हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स, तो मैं यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा है हमारा एडवांस डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, थर्ड है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, थर्ड फोर्थ है हमारा सर्टिफिकेट इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग। आपके जो भी कोर्स होंगे आप यहाँ पे इस तरह से टाइप कर लोगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी आप डिज़ाइन करना चाहो तो कर लो इसको भी। तो मैं इसको इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करने वाला, इसे सिंपली से मैं बोल्ट कर दूँगा और इनका साइज़ थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देने वाला हूँ। जैसे कि 36 काफ़ी है इसका साइज़, और इसको मैं फ़िलहाल ब्लैक कलर का ही रहने दूंगा। बाकी कलर जो है इसमें ऑटोमेटिकली सही से अपने आप अरेंज हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो जो बुलेट्स आ रहे हैं इन बुलेट्स का स्टाइल चेंज करना, तो आप यहाँ आइए और इनके बुलेट्स को आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आप कहीं भी एक जगह कर्सर रखो, किसी को भी सेलेक्ट मत करो, तो ऑटोमेटिकली ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखो हो रहा है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप फिर सेलेक्ट ही कर लो, नहीं हो रहा तो ठीक है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ एरो, ठीक है। तो ये बन गई है आपकी स्लाइड्स, ठीक है। ये बना लिया आपने और ये बना लिए, दो स्लाइड्स आपने डेवलप कर लिया। अब इस पर हम डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि ये और अच्छा आपका दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको डिज़ाइन ऑप्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कई तरह से डिज़ाइन मिलेंगे। तो आप इन सभी डिज़ाइन को एक एक बार अप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि कैसा दिख रहा है। तो फिलहाल मैं सबसे पहले इस वाले डिज़ाइन को क्लिक करता हूँ, तो जो देखिए कैसा मेरा डिज़ाइन आया। देखिए यहाँ पर ग्राफिक्स आ गए बने हुए, ये देखिए। और इसका देखिए कलर तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका टेक्स्ट स्टाइल था वो चेंज हो गया है, ठीक है। मैं दूसरा चेंज करके देखता हूँ, इस पर क्लिक किया तो देखो, ये देखो। तो इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को चेंज करके ज़रूर देखिएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके देखता हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको तो कई सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, आप चूज़ करके एक एक आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। तो फिलहाल मैं ये वाला डिज़ाइन देखता हूँ चूज़ करके, ये कैसा है। ओके, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा डिज़ाइन, तो मैंने इसको इस डिज़ाइन को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए पहला, ये दूसरा, परफेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पे देखिए जरा, कोर्स में हमने वाइट कलर की आउटलाइन लगाई थी जो कि हट चुकी है इस डिज़ाइन के तहत। तो आप यहाँ पे अपनी टेक्स्ट आउटलाइन को लगा लीजिए, ठीक है। वाइट कलर की मैंने यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन लगा दी है। अब क्या करना है आपको, ये डिफ़ाइन करना है कि जो ये स्लाइड है, ये पेज है, ये किस डिज़ाइन में ओपन हो। तो आप इस पेजों पे ट्रांजिशन लगाओगे, ठीक है। तो ट्रांजिशंस ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे डिफ़ाइन करिए जो ये आपकी स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स किस डिज़ाइन में ओपन हो।
तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पहली स्लाइड को चूज़ किया और यहाँ पे मैंने कोई एक डिज़ाइन चूज़ करता हूँ, जैसे ये चूज़ किया मैंने, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी स्लाइड ओपन होगी। यहाँ देखिए तो फिर कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो पसंद आए आप यहाँ पर लगा लीजिए। देखिए बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर जाएंगे ना तो देखिए हनीकॉम्ब है, मतलब काफ़ी सारे हैं, आप इनको चूज़ कर लीजिएगा कैसा आप दिखाना चाहते हो। देखो ये भी बहुत परफेक्ट, एक अच्छा सा है ये भी, ये देखिए, ठीक है। तो आपको जो पसंद आए आप उसको चूज़ कर लीजिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ इस वाले को, ठीक है। देन उसके बाद मैं सेकंड वाले पे चूज़ करता हूँ। सेकंड वाले पे चूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि किस पे ये एनिमेशन, ये ट्रांजिशन लगा हुआ है। तो जरा देखिए फर्स्ट स्लाइड पर मैंने ट्रांजिशन लगाई, तो देखिए यहाँ पर एक प्ले एनिमेशन का ऑप्शन ऐड हो चुका है, देख रहे हो आइकन। सेकेंड वाले पे नहीं लगा तो सेकेंड वाले पे ऐड नहीं है। सेकेंड वाले पे जाता हूँ, मैं सेकेंड वाले को चाहता हूँ ये कुछ अलग तरीके से ओपन हो, तो मैं इसे बॉक्स के शेप में कुछ इस तरह से ओपन करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इस पे भी लगा दी। अब तो ये हमने अभी डिफाइन किया कि हमारे पेजेस किस तरह से, किस डिज़ाइन में ओपन हो। अब मैं ये चाहता हूँ जो ये इमेजेस लगी हैं, ये टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया, ये कैसे प्रिव्यू हो। तो टेक्स्ट और इमेजेस पे एनिमेशन लगाने के लिए आपको एनिमेशन प्रॉपर्टी, यहाँ पे एनिमेशन मेन्यू में जाना होगा, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप कई सारे एनिमेशन हैं, ये तभी इनेबल होते हैं जब आपका टेक्स्ट या फिर आपकी कोई पिक्चर सिलेक्टेड हो। देखिए मैंने इमेज को सिलेक्ट किया तो वैसे ही ये ओपन हो गया। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए ये एंट्रेंस के एनिमेशन है, ये एम्फिसाइज की है और ये एग्ज़िट की है, तो ये तीन एनिमेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इनमें से देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अभी जो पहली है ये एंट्रेंस है, मतलब कि जब आपका ये इमेज आए तो किस तरह से खुल के आए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लॉट इन वाला जो ऑप्शन है इसको दे देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ जो मेरी एनिमेशन हो कुछ इस तरह से फ्लॉट इन आए। अब ये देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें, ये नीचे से ऊपर आ रही है। आप यहाँ से देखिए इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, इफेक्ट ऑप्शन में जाइए, फ्लॉट डाउन, ठीक है, इसमें भी लगा देता हूँ, यही फ्लॉट इन लगाता हूँ कुछ इस तरह से, लेकिन इसका हाँ ठीक है, ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी, देखो ठीक है, इसमें डायरेक्शन नीचे है, इसमें ऊपर है। प्रीव्यू करके देखना चाहें तो प्रीव्यू पे क्लिक करिए तो ये कुछ देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, ओके। अगला इसमें लगा देते हैं, कोर्स में मैं लगा देता हूँ यहाँ से एंट्रेंस की एनिमेशन, तो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ फ्लाई इन दे देता हूँ, ये देखिए नीचे से ऊपर आया, मैं इसे लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट से निकालता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इन सब में लगाना है, इन सब को सिलेक्ट कर लो, इन सब में लगा लो एक ही एनिमेशन कोई, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ओके। आप सबको सिलेक्ट मत करना, बस आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, अपने बाद एक एक करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। चाहे आप ये फ्लॉटिन लगा लो या स्प्लिट लगा लो, जो आपको लगाना है आप लगा सकते हो, ये देखो। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल बाउंस लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये भी आपका आ गया, तो आप जैसा चाहो वैसा आप लगा सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको ये बता दिया है। ये घूम के लगवाना चाहते हो तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो मैं फ्लोट इन ही लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्लोट इन कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं। ओके सो बस अब आपकी एनिमेशन बनके हो गई है तैयार, योर एनिमेशन इज रेडी टू प्रीव्यू। अब आप क्या करोगे, कोई भी अगर आता है आपके पास, आपसे पूछता है बताइए दिखाइए मेरे को आपके कोर्स की एनिमेशन क्या है, तो मैं क्या करूँगा इनको ये इस तरह से एनिमेशन को दिखाऊँगा। अब कैसे दिखाना कैसे है जरा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस फुल स्क्रीन में प्रीव्यू करवाने के लिए F5 बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप F5 दबाओगे वैसे ही देखो फुल स्क्रीन आपकी ओपन हो गई, जो हमने अभी लगाई थी एनिमेशन वीडियो को प्ले हो गई, पेज आ गया। अब मैं एक बार स्पेस को दबाओ या एंटर को दबाओ या माउस का क्लिक करो, अपने आप अगली एनिमेशन आ जाएगी। तो मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ तो ये देखिए ये आ गया, फिर उसके बाद मैंने ये दबाया, देखो ये आ गया STP कंप्यूटर एजुकेशन। उसके बाद दबाऊँगा तो देखिए ये गया और उसके बाद दूसरा पेज आ गया। अब इस पेज में मैं आपको बताऊंगा, देखिए हमारे ये कोर्सेज़ हैं, जो कि पहला कोर्स है इसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आपको क्या करना है, बस स्पेस को दबाते रहना है, जैसे जैसे दबाओगे वैसे वैसे नेक्स्ट होता जाएगा।
बेसिक कंप्यूटर कोर्स। अब आप बताना चाहते हो बेसिक कंप्यूटर कोर्स कितने महीने का है, क्या है, तो आप देखो यहाँ पे आपको नीचे देखो ऑप्शन मिल रहा है, देखो मेरा माउस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ देखो आपको पेन मिलेगा, आप इस पेन में जाना, पेन चूज़ कर लेना, ठीक है। और इस पेन से आप बता सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये जो कोर्स है आपका 3 मंथ्स का है, कुछ इस तरह से। फिर आपसे पूछा जाएगा ये एडवांस कितने का है, ये हमारा कोर्स जो है ये हमारा 1 ईयर का कोर्स है, तो आप इस तरह से बता सकते हो, लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। और आप स्पेस दबाते जाओ, बताते जाओ, तो कुछ इस तरह से आप बनाओगे एनिमेशन को, ठीक है। और जब आपकी स्लाइड्स ख़त्म हो जाएंगी तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपको एंड ऑफ द स्लाइड शो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमेशन किस तरह से बनाई जाती है। ये तो अभी आपकी पहली एनिमेशंस थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक टास्क देता हूँ बनाने के लिए, आप उस टास्क को बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसे सेंड कर दोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या टास्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं उस टास्क को ओपन कर लेता हूँ, रिसेंट में मेरे पड़ा होगा, ये रहा, ओके, ये भी नहीं है, दिस इज़ अ टास्क, ओके, यही है टास्क, आपको इसे बनाना है। जो देख लीजिए इसका प्रीव्यू कैसा है, मैं यहाँ F5 को प्रेस करता हूँ और एक बार स्पेस दबाता रहूँगा, तो देखिए सबसे पहले क्या आया मेरा, ये आया, फिर मैंने स्पेस दबाया तो देखिए STP कंप्यूटर एजुकेशन आया, फिर मैंने स्पेस दबाया तो यह आ गया, देन उसके बाद पेज चेंज हुआ, देन उसके बाद आप यहाँ स्पेस दबाइए, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो ये था स्लाइड या एनिमेशन आया, फिर उसके बाद नीचे इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट आया, देन उसके बाद मैं स्पेस दबाऊंगा, देन उसके बाद दबाऊंगा, फिर देखिए अपने आप थैंक्स फॉर वॉचिंग आया। ये मेरी क्या है, स्लाइड्स चल रही हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे देखो मैंने ट्रांजिशंस का यूज़ नहीं किया है, नन, सब में ट्रांजिशन आपको नन मिलेगी, इसीलिए आपको पेज चेंज होता हुआ नहीं दिखा, सिर्फ आपको क्या दिखा, ये टेक्स्ट किस तरह से एनिमेट कर रहा था आपने देखा, तो वो एनिमेशंस मैंने इससे दे रखी थी। ये देखिए मैंने इस पर कौन सी लगाई है, विप, इस पर कौन सी लगाई है, वाइप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, इसको बना कर आपको हमें हमारे फेसबुक ग्रुप में सेंड करना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे किस तरह से काउंटडाउन को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इस बैकग्राउंड का जो लेआउट है इसे चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे लेआउट चेंज कर लेता हूँ ब्लैंक, और इसका जो बैकग्राउंड है इसका कलर चेंज करता हूँ ब्लैक कलर में, ठीक है। कैसे होगा, आप डिज़ाइन में जाओगे और यहाँ देखो आपको बैकग्राउंड स्टाइल्स मिलेगा, आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेना ब्लैक। फिर उसके बाद आपको इंसर्ट में जा कर के एक शेप को इंसर्ट कर लेना, आप कोई सी भी शेप इंसर्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ करना, एकदम सर्कल में आएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आप इसमें कलर कर लो, फॉर्मेट में जाओ, शेप फिल से कुछ इस तरह से कलर कर लो, आउटलाइन आप हटा दो, नो आउटलाइन, देन उसके बाद आप इस शेप का डुप्लीकेट क्रिएट करो Ctrl+D से, ये देखिए डुप्लीकेट हो गया। इसमें आप क्या करो, एक ब्लैक कलर को कर दो, ठीक है। इसके बाद आप जो ब्लैक कलर वाला सर्कल है इसे आप शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर दो, तो मैंने यहाँ से देखो छोटा कर दिया और इसे इसके सेंटर में रख दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ और इसके सेंटर में मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। अब आपको इंसर्ट में जाना है और एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है, तो मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और यहाँ पर 5 लिखा। अब आप इसे बड़ा कर लेना, इसका साइज़ इस 5 का, और यहाँ से आप इसका थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज कर लेना और इसे आप उठाना और ऐसे सेंटर में रख देना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, 5 को सेलेक्ट करना और एनिमेशन में जा कर के इसकी एनिमेशन को आप अपीयर कर देना, सबसे पहले आपने यही करना है। फिर उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करोगे, बड़े वाले सर्कल को और छोटे वाले सर्कल को, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से व्हील दे दो कुछ इस तरह से, ठीक है, या फिर आप इसमें जूम भी दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये देखो मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूं आपको, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको जो पसंद आए आप वो दे देना, मैंने आपको दोनों दिखा दिया। फ़िलहाल मैं यहां पे व्हील को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप क्या क्या करना है, ये देख रहे हैं स्लाइड, आप इस पर क्लिक करो
और कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करो, देखो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा स्लाइड का। तो सेकंड जो स्लाइड है आप इसको एडिट करो, 5 की जगह कर दो आप 4, फिर आप दोबारा से 2 का डुप्लीकेट करो और 4 की जगह कर दो 3, देन उसके बाद आप फिर से डुप्लीकेट करो 3 को और यहाँ 3 की जगह कर दो 2, और फिर यहाँ से दोबारा से डुप्लीकेट करो और 2 की जगह कर दो 1, देन उसके बाद आप क्या करोगे, इतना बनने के बाद आप जाओ ट्रांजिशन ऑप्शन में और यहाँ पे देखते हैं ऑन माउस क्लिक लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि स्लाइड आगे तब बढ़ेगी जब आप माउस से क्लिक करोगे या स्पेस बटन प्रेस करोगे या एंटर करोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कुछ भी इसमें ना करें, ऑटोमेटिकली ये स्लाइड्स जितनी भी स्लाइड्स हैं ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएं। तो आप इसे ऑफ कर दो और आफ्टर को इनेबल कर दो कि 0 सेकंड पे ये प्ले होंगी, और अप्लाई टू ऑल कर दो, सब पे अप्लाई कर दो। अब आपको क्या करना है, सिंपली F5 का बटन दबाना है फुल स्क्रीन में इसे प्ले करने के लिए। तो देखिए किस तरह से प्ले होगा, मैंने F5 दबाया तो ये देखिए 5 आया, ऑटोमेटिकली चल रहा है, देखिए 4, 3, 2 एंड 1। ओके, तो देखिए इस तरह से आपने ये काउंटडाउन बनाया। अब आप इसका यूज़ कैसे करोगे, देखिए आपको क्या करना है, जैसे कोई वीडियो बना रहे हो आप और उस वीडियो में आपने स्टार्टिंग में काउंटडाउन देना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, आप इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे, फाइल ऑप्शन में जाओगे, सेव एंड सेंड का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ देखो क्रिएट अ वीडियो का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर लेना है और क्रिएट अ वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट कर लोगे आपसे पूछेगा कि आपको वीडियो कहाँ सेव करनी है, तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप लोकेशन दे दी और वीडियो का नाम रखा काउंट डाउन, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं सेव करूँगा तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ नीचे यहाँ प्रोग्रेस होएगी आपकी, आपका जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोग्रेस पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो तब तक हम इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने देते हैं। ये देखिए यहाँ तक 20% आई थिंक हो गया, 10 या 20%, इसी तरह से आपका ये वीडियो पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम एनिमेशन चैप्टर्स को। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनिमेशंस होती क्या है। तो एनिमेशंस एक तरीके का मोशन ग्राफिक होता है जिसे हम एनिमेशन कहते हैं। मोशन ग्राफिक्स का मतलब कोई ऐसी चित्र जो एक गति में हो, कोई ऐसा चित्र जो चलता हो, मतलब कि जो मोशन हो, जिसमें कुछ मूवमेंट हो, उसी को आप एनिमेशन कहोगे। एनिमेशन इज कॉल्ड अ मोशन ग्राफिक्स। ओके, तो हम इस मोशन ग्राफिक को पावर पॉइंट में एक बहुत ही अच्छे से बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेआउट को चेंज करके ब्लैंक ले लूँगा, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप डिज़ाइन, इस डिज़ाइन में जाता हूँ मैं और यहाँ से इस वाले डिज़ाइन को चूज़ कर लूँगा, ठीक है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा एक पिक्चर्स को, तो मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट में चला जाता हूँ, क्लिप आर्ट से मैं पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया रैबिट, ओके सर्च किया, देखिए सर्चिंग हो रहा है, अभी नहीं आया, मैं डबल बी लगा देता हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। ये देखिए हमें यहाँ पे रैबिट मिल गया, ओके इस पर क्लिक करिए तो ये देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसी को एनिमेट करवाना है, इस रैबिट को ही। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ रखूँगा रैबिट को, और मैं एक ऐसी एनिमेशन दूँगा, आपको ऐसा लगेगा कि रैबिट आ रहा है और इस खाने को खाते हुए चला जा रहा है। तो हम एक ऐसी एनिमेशन बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये आपने रैबिट यहाँ इंस्टॉल किया है, इसको आपको अनग्रुप करना होगा। तो अनग्रुप करने के लिए आप इसे सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए और यहाँ देखिए ग्रुप में जाके अनग्रुप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके यस कर दीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हो गया, अब आपको ये दोबारा करना है, ठीक है ना, सेकेंड टाइम भी करना है यही आपको, तब जाके ये पूरी तरह से अनग्रुप होगा। यहाँ पे गया वापस से मैंने इसे अनग्रुप कर दिया, देखिए कितने सारे पार्ट से मिलके ये बना हुआ था, देख रहे हैं आप। तो अभी हमें क्या करना है,
जो ये वाला इसके दाना देख रहे हो ना, ये खाना, इसको सेलेक्ट करना है। तो आप इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, कुछ ऐसे हो गया सेलेक्ट। और इसका आप क्या करना, डुप्लीकेट ले लेना। जैसे ही देखो सेलेक्ट हो चुका है, अब मैं कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट ले लूँगा। देखो मैंने कंट्रोल डी दबाया और इससे इसका डुप्लीकेट ले लिया, काफ़ी सारे डुप्लीकेट ले लिए मैंने। और आपको मैं बता दूँ, जो इसका ये ओरिजिनल वन है, इसको आप डिलीट कर दोगे, सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। और इसकी जो आउटलाइन वगैरह है, आप इसको भी डिलीट कर देना, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो ये हैं, इनको आप सेलेक्ट करो ऐसे, और इनको आप अलग साइड में यहाँ पे रख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इस रैबिट को कुछ इस तरह से, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे पूरा ऐसे सेलेक्ट करना है, और आप इसे वापस से रीग्रुप कर देना, ठीक है। रीग्रुप हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बीज हैं, जो इसके फूड हैं, आप इसको अलग अलग निकाल लेना। तो मैंने इसे निकाल लिया। अब ये देखो, ये भी ना दो हैं, देख रहे हो, दो सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ग्रुप कर लेता हूँ, इसको भी यहाँ पे गया, इसे ग्रुप कर लिया। अब ये क्या बन गया, सीधा एक बन गया। अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा और सिर्फ इसी को डुप्लीकेट करूँगा, ओके। तो डुप्लीकेट कैसे करेंगे, कंट्रोल डी से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पहले तो सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे। देन उसके बाद आप क्या करोगे, इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लोगे, ठीक है। ये देखिए मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब आप इसको अलग अलग जगह पे कुछ इस तरह से लगा लीजिए, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्प्रेड आउट कर लिया, आई थिंक, देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, ये रैबिट आएगा, इसको खाएगा, इसको खाएगा, इस तरह से खाते हुए यहाँ से चला जाएगा। अभी कैसे होगा जो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये रही हमारी पहली स्लाइड। हम इस स्लाइड को पहले डुप्लीकेट करेंगे सेकंड स्लाइड में, ठीक है। अब ये देखो स्लाइड आ गई सेकंड वाली। अब मैं क्या करूँगा, इस रैबिट को चूज़ करूँगा और इसको यहाँ पर लेके आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर लाने के बाद जो इसका ये वाला फूड है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ओके। फिर इसे सेकंड वाली स्लाइड को सिलेक्ट करके सेकंड वाले का डुप्लीकेट करूँगा। देन इसको उठाऊँगा यहाँ से और यहाँ पे लेके जाऊँगा, और इसके सामने वाला फूड मैं डिलीट कर दूँगा। फिर थर्ड को मैं डुप्लीकेट करूँगा, फिर उसको रैबिट को मैं यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है, आई थिंक आप समझ होंगे। फिर इसके फूड को डिलीट कर दूँगा। फिर अगेन मैं फोर वाले स्लाइड को डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी से। फिर उसको मैं यहाँ पर कहीं भी ले जाओ आप, यहाँ पर ले आया और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ओके। फिर इसको सेलेक्ट करेंगे फिफ्थ वाली स्लाइड को, फिर डुप्लीकेट करेंगे और इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसे डिलीट कर दूंगा। फिर सिक्स्थ को आप डुप्लीकेट करिए और इसे यहाँ ले जाइए और इसे डिलीट कर दीजिए। फिर सेवन्थ वाले को डुप्लीकेट करिए और इसे यहाँ पर लेके आइए और इसे डिलीट कर दीजिए। देन उसके बाद एट्थ की डुप्लीकेट लो और इसको यहाँ से आगे कर दो, ठीक है। तो देखो ये अब आपकी स्लाइड जो है बनके तैयार हो गई। फर्स्ट स्लाइड पे अब आप आओ, और उसके बाद आप क्या क्या करना है, ट्रांजिशंस ऑप्शन में जाना है आपको। ऑन माउस क्लिक को ऑफ कर देना है, आफ्टर को ऑन कर देना है। ऑन माउस क्लिक क्यों ऑफ किया, ताकि हम जब माउस का बटन दबाए तब ये आगे ना हो, ये ऑटोमेटिकली चलने पाए, ठीक है, ये मैन्युअली ना चले, ऑटोमेटिकली चले, ओके। बस अब आपको क्या करना है, अप्लाई टू ऑल कर लेना है और F5 को प्रेस करना है। F5 हम क्यों प्रेस करते हैं, ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में देख सकें और दिखा सकें। तो मैंने F5 प्रेस किया, तो जो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, दिख रही है आपको एनिमेशन गया। तो इस तरह से आप एनिमेशन बहुत सारी बना सकते हो। मैं आपको एक और एनिमेशन बना के दिखाऊँगा अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो तब तक आप इस एनिमेशन की प्रैक्टिस करिए, और अगर ये बन जाता है तो आपको हमें हमारे फेसबुक ग्रुप में सेंड करना है। स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम पावर पॉइंट में गेम को बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गेम बनाने के लिए जो ये आप देख रहे हैं स्लाइड, ये स्क्वायर शेप की है, मैं इसी में फ़िलहाल अभी बना देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका लेआउट यहाँ से चेंज करके ब्लैंक लेआउट चूज़ कर लूँगा, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपको गेम का पहला इंटरफेस बनाना है, कि जब गेम आपकी ओपन हो तो वो कैसे दिखे, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे जरा देखिए किस तरह से एक इंटरफेस को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक
सर्कल को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, देखते हैं ये सर्कल, इसको इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ, ओके। और इस सर्कल के अंदर टाइप करता हूँ स्टार्ट। कैसे टाइप करूँगा, मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा या फिर सिंपल आप इसमें ऐसे भी कर्सर रख के इस तरह सेलेक्ट करके आप अगर टाइप करो कीबोर्ड से तो इसमें टाइप हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इसे बड़ा कर लो थोड़ा सा, मैंने इतना बड़ा कर लिया, ओके। अब आप क्या करो, इसे थोड़ा स्टाइलिश शेप दे दो, तो मैं इसे स्टाइलिश दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने इसे ऐसा दिखाया। अब आप चाहो तो इसके टेक्स्ट को भी बदल सकते हो, तो यहाँ से आप टेक्स्ट चूज़ कर लो जो आपको चाहिए, तो मैं फ़िलहाल ये वाला टेक्स्ट ले लेता हूँ, ओके। अब आप यहाँ पे गेम का नाम वगैरह जो आपको लिखना है वो लिख लो, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ लिख लिया, टेक्स्ट बॉक्स बनाया और यहाँ मैंने लिख लिया मेज़ गेम, मेज गेम, ओके। इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। इसे डिज़ाइन कर लो आप, ठीक है। और आप यहाँ पे कुछ एनिमेशंस को भी या फिर पिक्चर्स भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट में से एक पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कार, तो मैं यहाँ कार को इंसर्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ कार पे क्लिक किया और देखो यहाँ पे सर्चिंग हो रहा है, ठीक है। वेट कर लेते हैं, ये देखो कार आ गई, इसको ले लेता हूँ मैं, एक यहाँ पर लगा दूँगा इसको, ठीक है। और एक ये वाली या फिर ये वाली ले लेता हूँ, इन दोनों में से कोई सी भी देख लो, इसी को ले लेते हैं, ठीक है आ गई। तो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया यूज़र इंटरफेस, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसका जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करूँगा। कैसे होगा चेंज, मैं डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ देखो बैकग्राउंड स्टाइल आपको मिलेगा, आप यहाँ पे चूज़ कर लो जो कलर आपको चाहिए वो ले लो। तो देखो ये सब कलर आपको अच्छे लग रहे हैं, ये सब तो अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अच्छा ये देखो ये वाला थोड़ा सही लग रहा था, तो मैं इसको ले लेता हूँ फ़िलहाल, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। इट्स बेटर नाउ। और अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कलर को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कुछ और देखता हूँ कोई कलर जो यहाँ पे परफेक्ट लगे, ग्रीन ही देख लेते हैं, नहीं तो फिर रेड को देखता हूँ या ब्लू देखता हूँ, ब्लू अच्छा लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा जो गेम का फर्स्ट जो स्ट्रक्चर था वो मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया। अब आपको इस गेम का ट्रैक रेडी करना है। ट्रैक कैसे रेडी करोगे आप, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर जाऊँगा न्यू स्लाइड में और यहाँ पे मैं एक ब्लैंक न्यू स्लाइड ले लूँगा, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे ब्लैंक न्यू स्लाइड लूँगा, जो ध्यान से देखो, आप यहाँ से भी ऐसे ले सकते हो और अगर आप कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करोगे तो भी आप न्यू स्लाइड ऐसे ले सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड मैं पूरा चेंज कर दूँगा। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, वापस से जाऊँगा डिज़ाइन में, बैकग्राउंड स्टाइल में, ठीक है। तो यहाँ से तो आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर लेना, मैं यहाँ पे फ़िलहाल वाइट करूँगा, तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, दोनों में वाइट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, जो पहले था उसी को रख देता हूँ पहले जैसे, और मैं यहाँ पे कस्टम अपना खुद का बैकग्राउंड बनाने वाला हूँ। कैसे बनाऊँगा, इंसर्ट ऑप्शन में जाके शेप्स में जाऊँगा और एक ऐसा रेक्टेंगल लूँगा जो कि इस पूरे पेज को कवर कर लेगा, ठीक है। इसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कैसा क्या फिल करना चाहते हो, तो मैं इसे शेप फिल कर देता हूँ, ओके। मैं इसमें टेक्सचर को फिल कर दूंगा, यहाँ जाता हूँ मोर टेक्सचर पे और यहाँ देखो यहाँ पे आपको एक और पैटर्न फिल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल अब पैटर्न फिल को फिल करने वाला हूँ और यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो डॉट है उसको कर देता हूँ वाइट कलर का और जो बैकग्राउंड कलर है उसे मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर का। देखने कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर कर लिया, लेकिन ये काफ़ी आँखों में चुभ रहा है कलर, तो मैं इसको वाइट से ना थोड़ा सा हल्का सा येलो कर देता हूँ, तो ये भी परफेक्ट दिख रहा है कलर,
ठीक है। बाकी मैं चेंज ही कर देता हूँ वाइट ही, ठीक है। तो इस तरह से देखो मैंने इसके अंदर एक पैटर्न को फिल कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें बनाना है ट्रैक को, ठीक है। तो हम इसमें ट्रैक बनाएंगे, लेकिन ट्रैक बनाने से पहले अभी भी देखो ब्लैक कलर ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लैक कलर की जगह कोई और कलर ही चूज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं ये कर लेता हूँ ब्लू कलर, ये सही लग रहा है बेशक, ठीक है। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, जो इसकी देखो आउटलाइन आ रही है ना, इसकी आउटलाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ से नो आउटलाइन कर लूँगा, जिससे कि आउटलाइन भी ख़त्म हो जाएगी। अब जो ध्यान से देखो हम ट्रैक कैसे बनाएंगे, इंसर्ट पे जाओ और सबसे पहले तो ये देखो फर्स्ट स्लाइड में जाओ और ये स्टार्ट वाला बटन है ना, आप इसे कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से कॉपी कर लो और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। देखो पेस्ट हो गया स्टार्ट वाला बटन, और इसे यहीं रहने देना, ठीक है। इसका कलर आप चेंज कर लो, मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर रेड कर लेता हूँ, नहीं तो ये ऑरेंज, ठीक है ऑरेंज कर लेता हूँ। इसके बाद आप जाओ इंसर्ट में और शेप्स में जा कर के इस तरह से आपने शेप्स बना लेनी है, ठीक है। इसमें कलर कर लो, मैं इसमें कलर कर लेता हूँ ब्लैक कलर, प्योर ब्लैक कुछ इस तरीके से। और ये ब्लैक देखो इस स्टार्ट के ऊपर आ रहा है, मैं इसे पीछे भेज देता हूँ, कैसे जाएगा, देखो सेंड बैकवर्ड लिखा है, इस पर क्लिक करो, देखो चला गया। इसी का डुप्लीकेट लो इस शेप का, कंट्रोल डी दबाओ, देखो डुप्लीकेट आ गया, तो मैंने एक यहाँ रखा, ठीक है। फिर से इसका डुप्लीकेट किया और एक इसको यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है कुछ इस तरह से। अब ये मैं क्या बना रहा हूँ, एक ट्रैक बना रहा हूँ, देखना कैसे बनेगा ट्रैक ये, ठीक है। एक और डुप्लीकेट लेता हूँ मैं इसका, और इसे देखो यहाँ से मैं रोटेट कर पाऊँगा ऐसे, ठीक है हो गया रोटेट। मैं इसे यहाँ से अटैच कर देता हूँ, देखो अटैच हो गया यहाँ पे, और ये देखो, ठीक है आया समझ में। इसी को डुप्लीकेट करूँगा मैं और इसे उठा के यहाँ पर लगा लूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ऐसे सेट कर लूँगा, हो गया सेट, ठीक है। और यही स्टार्ट को मैं वापस से डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ पे और इसे यहाँ पे लगा दूँगा। मैं आपको सिंपल से यहाँ गेम बना रहा हूँ, ठीक है। आप जैसा मर्जी वैसा ट्रैक बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टार्ट का कलर चेंज कर दे, ग्रीन कर देता हूँ, बाकी यहाँ से भी आप शेप फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ से देखो ये वाला ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। और इसमें लिख देता हूँ फिनिश, ठीक है हो गया बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ मुश्किलों को यहाँ पे लगाने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ देखो सन का सिंबल है, इसे लिया और यहाँ पे मैं इसे डेवलप करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाओ और रेड कलर आपने चूज़ कर लेना, तो मैंने ये वाला रेड कलर चूज़ कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आप डुप्लीकेट कर लो, दो तीन डुप्लीकेट कर लो जितने आपको लगाने हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से देखो डुप्लीकेट कर लिया दो तीन को, ठीक है। एक और कर लेता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ, अब सही लग रहा है, ठीक है अब, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके माउस को यहाँ से निकलना होगा और यहाँ से इस तरह से इनसे बच के जाना होगा, ये गेम होगी, ठीक है ना। अब हम इसे डेवलप करेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, अब आपको एक न्यू पेज बनाना है, तो कंट्रोल एम लीजिए, देखिए मैंने कंट्रोल एम किया, न्यू आ गया। अब यहाँ पे आप इंसर्ट कर लो एक टेक्स्ट बॉक्स को और यहाँ पे लिखो यू लॉस, ठीक है इस तरह से बड़ा सा बना लेना, बोल्ड कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। और इसे मैं रेड कलर कर देता हूँ यू लॉस को, तो यहाँ से देखो रेड कलर कर लिया मैंने और यू लॉस आपने यहाँ तो लिख दिया। और क्या करो, नीचे दो बटन बनाओ, एक एग्ज़िट का और एक रीप्ले का। तो मैं अब बटन बनाने के लिए शेप्स का यूज़ कर लेता हूँ और ये वाले मैंने शेप्स ले ली, कोई सी भी आप इसमें शेप ले सकते हो जो आपको पसंद आएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये वाली राउंडेड रेक्टेंगल वाली जो शेप है इसे ले लेता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक एग्ज़िट का बटन, मैंने बनाया एग्ज़िट, ठीक है। इसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, बोल्ड कर लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, या फिर यहाँ से ये रेड कलर में ही एग्ज़िट का बटन यहाँ मैंने बना लिया, ठीक है। इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्ले या फिर ट्राई अगेन, ठीक है। मैं फ़िलहाल रिप्ले लिख देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका ब्लू कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ या फिर डार्क ब्लू कर देता हूँ, ठीक है।
इसी पेज का, ये देखने जो थर्ड वाला, इसी को आप डुप्लीकेट कर लो यू लॉस वाले को ही, और लॉस की जगह आप लिख दो यू विन। ठीक है, आप क्या करो इसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ग्रीन कलर में कैसे करोगे, यहाँ पे आओ, यहाँ पे ग्रीन कलर को चूज़ कर लो। ठीक है, आए समझिए, देखो ये यू लॉस का हो गया और ये यू विन का हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, इस पे काम करना है, इस वाले स्लाइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इस पे आ जाओ, क्योंकि हमें क्या करवाना है, जब इस स्टार्ट पे बटन पे क्लिक हो तो स्टार्ट होनी चाहिए गेम। तो आप क्या करो, स्टार्ट को सिलेक्ट करो, ऐसे इंसर्ट ऑप्शन में जाओ, एक्शन देख रहे हो, इस पे क्लिक करो और यहाँ डिफाइन करो कि जब माउस से क्लिक होगा, देखो माउस क्लिक होगा तो क्या होगा, हाइपर लिंक टू, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। मतलब जब इस पर क्लिक होगा तो नेक्स्ट स्लाइड ये वाली ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसे ओपन करवा दिया। अब आप इस पर आओ, इस पर आ गए, अब जो ध्यान से देखो, जो बैकग्राउंड हमने लिया इस पर क्लिक करो और इस पर आप लगाओ एक्शन, इसमें लगाओ माउस ओवर, जब आपका माउस इसके ऊपर आए तो क्या हो, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, तो आप आउट हो जाओ और आप दूसरी स्लाइड मीन्स यू लॉस वाली स्लाइड पर चले जाओ। ठीक है, ओके कर दो। और यही चीज़ आपने इन चारों पे लगानी है, ये चारों देख रहे हो ना, इन चारों पे लगानी है कि जब इस पे भी माउस ओवर हो तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे मींस यू लॉस वाली स्लाइड पे चले जाओ। तो देखो मैंने एक्शन पे क्लिक किया, माउस ओवर चूज़ किया, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इस पे भी मैं कर लेता हूँ माउस ओवर, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड। इस पे भी लगा लेता हूँ मैं माउस ओवर, हाइपर लिंक टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, लग चुका। अब क्या करना है, इस फिनिश पे लगाओ, फिनिश पे जब माउस ओवर होगा तो क्या ओपन होना चाहिए, लास्ट स्लाइड। देखो यहाँ पे लास्ट स्लाइड है, लास्ट मीन्स यू वॉन वाली, यू विन वाली। ठीक है, ओके, बस इतना ही काम आपने इस पे करना था। अब छोटा सा आपको एक और काम करना है, फिर आपकी गेम बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, यू लॉस में आ जाओ, एग्ज़िट पे लगाओ एक्शन कि जब हम इस एग्ज़िट बटन पे क्लिक करें माउस क्लिक, तो क्या हो, शो जो है एंड हो जाए, एंड शो। ओके, और रीप्ले पे जब हम क्लिक करें, देखो क्लिक करें तो क्या हो, हाइपर लिंक टू फर्स्ट स्लाइड मीन्स पहली स्लाइड पे आ जाए जब इस पे हम क्लिक करें। तो यही चीज़ आप यू विन वाले पे भी लगा दो, एग्ज़िट पे लगा दो, एक्शन माउस क्लिक हाइपर लिंक टू एंड शो। ठीक है, रीप्ले पे लगा दो, एक्शन माउस क्लिक हाइपर लिंक टू फर्स्ट स्लाइड, ये था। ठीक है, लग गया। अब हल्का सा और काम यहाँ पे करना है और बस आपकी गेम बनके हो जाएगी तैयार। क्या करना है, आप इन सभी को सिलेक्ट कर लो कंट्रोल के साथ, कंट्रोल दबा के रखो और चारों को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एनिमेशन में जाना है और यहाँ से आप चूज़ करो स्पिन, ये देख रहे हैं स्पिन, आप इसको चूज़ करो, देखो घूमने लग गए। ठीक है, लेकिन काफ़ी फास्ट घूम रहे थे। अब आपको इसकी टाइमिंग थोड़ी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो यहाँ देख रहे हैं छोटा सा ऑप्शन, इस पर क्लिक करो आप, यहाँ देखो टाइमिंग आपको मिलेगा, आप इसका स्टार्ट जो है उसे कर दो विद प्रीवियस, ड्यूरेशन रखो 5 सेकेंड वेरी स्लो, ये वाला। ठीक है, और रिपीट में डाल दो अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, ये वाला। ठीक है, मीन्स कि ये जब तक चलता है जब तक ये स्लाइड ख़त्म ना हो। ओके, अब मैंने ओके कर दिया, अब देखो कितने स्मूथली ये चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा चल रहा है, क्योंकि देखो जब हमारी गाड़ी आएगी तो ये उल्टा ऐसे टकराएगा, ये ऐसे ना होके ऐसे चलना चाहिए था। तो आप इस पर क्लिक करो और यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जाके काउंटर क्लॉकवाइज पे चूज़ कर दो, तो देखो अब ये इस साइड घूमेगा। ठीक है, अब जब प्रीव्यू पे क्लिक करो तो देखो चारों अपने आप सही तरीके से मूव करेंगे। सो बस अब आपकी देखो गेम है जो बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ, F5 का बटन दबाइए, देखो आ गया। अब मैं स्टार्ट पे देखो क्लिक किया, देखो स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो माउस जो है, मेरे माउस को लेके जाना है इससे बचा के, देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप इससे टच हो जाते हो देखो तो ये क्या आएगा, यू लॉस। रिप्ले पे क्लिक करो, देखो वापस से स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करता हूँ और देखो, और अगर बाहर भी निकल जाओगे तो यू लॉस। मैं वापस से रिप्ले करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ऐसे आपको विन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये यहाँ निकला मैं, देन इसको यहाँ से निकाल लिया और फिर इसको मैंने यहाँ से निकालना है। ओके ओके, ये निकल गया और ये देखो फिनिश किया, देखो यू
विन। अगर समझ में एग्ज़िट करना है तो आप एग्ज़िट पर क्लिक करो तो देखो एग्ज़िट हो जाएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने गेम को डेवलप करना सीखा था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। सो आज हम इस होम टैब को पूरा का पूरा, जो भी इसमें ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन सभी को प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। तो ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होम टैब में, वो आपने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में कर रखी हैं। बस इसमें एक ही दो ऑप्शन जो नए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, और जो आप भूल भी गए हो उसको भी मैं आपको रिविज़न करवा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल वी पेस्ट का ऑप्शन। तो आई थिंक आपको कट कॉपी पेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता ही होगा। कट मतलब कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हो, या फिर किसी भी टेक्स्ट को आप वहाँ से हटा के दूसरी जगह मूव कर सकते हो, उसी को कहते हैं कट करना। और पेस्ट करने का मतलब उस कट किए हुए वर्ड को कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो आप पेस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमित, ओके, एक ये बड़ा वाला टेक्स्ट बॉक्स, ये छोटा वाला टेक्स्ट बॉक्स। मैं क्या चाहता हूँ, इस अमित वाले टेक्स्ट को यहाँ से हटा के यहाँ मूव कर दूँ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, कट पे क्लिक करोगे, देखो कट हो गया, और जहाँ पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे कर्सर रखो और पेस्ट पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कट और पेस्ट का क्या यूज़ होता है। और कॉपी का मतलब ये होता है कि आपने जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है उसका आप डुप्लीकेट करवाना चाहते हो, वहाँ से मूव नहीं करवाना चाहते, वहाँ पे क्या करवाना चाहते हो आप, डुप्लीकेट, ठीक है। तो उसके अंदर आप यूज़ करोगे कॉपी का। अब सीखते हैं फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर हम पहले भी कर चुके हैं, सो वापस से देख लीजिए एक बार। और मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इंसर्ट में जाऊँगा और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमित, ओके, और मैं क्या करने वाला हूँ, इस अमित में कुछ थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल इसमें लगा दिया और इसका जो साइज़ है मैंने बड़ा कर दिया, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अंकित, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो डिज़ाइन इस अमित में यूज़ हुआ है वही डिज़ाइन इस अंकित में भी यूज़ होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, वापस से आप इसे सेलेक्ट करोगे और वापस से फॉर्मेट में जाके इसका डिज़ाइन चूज़ करोगे, नहीं, आप क्या करोगे, स्पीडली काम करोगे। कैसे होगा, इस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके इस डिज़ाइन को कॉपी कर लो, और फिर उसके बाद इस अंकित पे आके आप ऐसे सेलेक्ट करो, देखो पेस्ट कर दो, देखो डिज़ाइन आ गया, जितना बड़ा था वो उतना बड़ा ये भी हो गया, और जो सेम साइज़ वो भी आ गया और डिज़ाइन भी यहाँ पे आ चुका है, ओके। आई थिंक आपको फॉर्मेट प्रिंटर भी समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन है आपका यहाँ पे न्यू स्लाइड, मीन्स आप यहाँ पे न्यू स्लाइड ले सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे एक स्लाइड है, एक और आपको पेज लेना है, यहाँ पे एक और स्लाइड लेनी है, तो आप क्या करोगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो आपकी देखो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट न्यू स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। स्लाइड्स को डिलीट करना चाहते हो, जैसे इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करोगे और देखो डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लेना, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसका डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट कर सकते हो, या फिर जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, इसी स्लाइड के डुप्लीकेट करना है तो राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट स्लाइड आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर, देखो इसका भी डुप्लीकेट हो जाएगा। और डिलीट करना हो तो आप डिलीट का बटन भी दबा सकते हो कीबोर्ड से, और राइट क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हो। न्यू स्लाइड लेने की एक शॉर्टकट की भी होती है जिसका नाम है कंट्रोल प्लस एम, ओके। तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एम दबाता हूँ तो देखो एक न्यू स्लाइड यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैं इस स्लाइड को अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, फर्स्ट वाली को। सो मैंने यहाँ से डिलीट बटन दबा के इसे डिलीट कर दिया। अब जरा जानते हैं लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कई सारे जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं ना, वो आपको लेआउट बना बनाया देते हैं। देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ पे आप पिक्चर या ग्राफ या टेबल को इंसर्ट कर सकते हो इस पर क्लिक करके यहाँ से भी। तो इन्होंने क्या किया है पावर पॉइंट वालों ने, कि आपको डिज़ाइन ना करना पड़े, आपको बना बनाया डिज़ाइन मिल जाए, इसीलिए इन्होंने आपको लेआउट बना के दिया है,
कि अगर आपको ये लेआउट पसंद आता है तो आप इसी को यूज़ कर लो, नहीं तो आप अपने यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो। और अगर आपको कोई लेआउट नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैंक लेआउट को चूज़ कर लोगे और अपने हिसाब से इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आप अपने हिसाब से लेआउट को रेडी कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लेआउट। अगला है रीसेट। अब रीसेट क्या रीसेट हो यहाँ पे, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये लेआउट लिया और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, जैसे कि मैंने इस लेआउट को यहाँ से इधर कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, मीन्स इसको मैंने सही तरीके से नहीं, मतलब इसकी पोजीशन चेंज कर दी, या फिर मैंने कुछ टाइप किया और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके इस तरह से रख दिया। ठीक है, मीन्स मैंने इसे पूरा ख़राब कर दिया, पूरा बिखेर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले जैसा हो जाए, तो आप क्या करोगे, सिंपल से स्लाइड को सिलेक्ट करो, रीसेट के बटन पे क्लिक करो, तो जो जैसा था देखो वो वैसा ही कम्प्लीटली यहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा जैसा पहले था। ठीक है, आई थिंक आपको रीसेट समझ में आ गया होगा। अगला है सेक्शन। अब देखो सेक्शन का क्या यूज़ होता है, जब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका लेआउट चेंज कर लेता हूँ, ब्लैंक ले लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मैंने जो यहाँ स्लाइड बनाई, पहले जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे मैं हिंदी की स्लाइड बना रहा हूँ, जैसे मैंने हिंदी की स्लाइड बनाई। ओके, तो ये देखो ये मेरी हिंदी की स्लाइड है, मैंने इसमें हिंदी की कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखी है समझो। ठीक है, और मैंने तीन स्लाइड हिंदी की बनाई। ओके, फिर मैंने क्या किया, चौथी स्लाइड जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट की है। देखो ओके, और इंग्लिश की मैंने चार स्लाइड या पांच स्लाइड मैंने इंग्लिश की बनाई। तो इसी तरह से अगर मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैथ्स की स्लाइड, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैथ्स। ओके, और मैथ्स की भी दो स्लाइड मैंने बनाई। ठीक है, मैंने देखो यहाँ डुप्लीकेट कर दिया, तो ये देखो यहाँ पे कितनी स्लाइड हो गई, टोटल मेरे पास 10 स्लाइड हो गई। अब 10 स्लाइड्स में से देखो हिंदी की कौन सी है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हिंदी की है, इंग्लिश की कौन कौन सी है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ, और 9 और 10 मैथ्स की है। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन स्लाइड्स को एक ग्रुप में एक अलग अलग सेक्शन में बांट दूंगा, जिससे मेरे को पता चल जाएगा, हिंदी की अगर मेरे को स्लाइड ओपन करनी तो मैं हिंदी की करूँगा, इंग्लिश की ओपन करनी है तो मैं इंग्लिश की ओपन करूँगा, मैथ्स की ओपन करनी है तो मैं मैथ्स की ओपन करूँगा। तो वो कैसे होगा, जरा ध्यान से देखो। जैसे कि मेरे को हिंदी की स्लाइड एक ग्रुप में रखनी है, तो आप क्या करो, शिफ्ट के साथ पहले इसको सिलेक्ट कर लो, या फिर कंट्रोल के साथ आप एक एक करके ऐसे सिलेक्ट कर लेना, या फिर शिफ्ट के साथ डायरेक्ट आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखो तीनों सिलेक्ट हो गई आपकी स्लाइड हिंदी वाली, यहाँ सेक्शन में जाओ, ऐड सेक्शन पर क्लिक कर दो। ठीक है, और जो यहाँ देखो क्या प्रॉब्लम आया, अभी हमने सेलेक्ट करके भी किया तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आया कि इसने पूरे को 10 तक पूरा का पूरा इसने एक ही सेक्शन में डाल दिया। सो अभी आप क्या करो, सेक्शन यहाँ से रिमूव कर लो, रिमूव सेक्शन पे आप क्लिक करोगे, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो हमें क्या करना है, सबके अलग अलग सेक्शन को तैयार करना है, लेकिन हमने अभी यहाँ से ऐड सिलेक्शन किया तो क्या हुआ, सभी एक सिलेक्शन में आ गए, एक ही सेक्शन में आ चुके हैं। लेकिन क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग कैसे करेंगे, चाहे वो ध्यान से देखिए। मैं पहले क्या करता हूँ, फर्स्ट स्लाइड को ही आप सेलेक्ट रखना, सेक्शन पे जाना, ऐड सेक्शन करना। ठीक है, आपने ऐड सेक्शन कर दिया तो देखो सारी की सारी ऐड हो गई। अब आप क्या करो, जहाँ से आप दूसरा सेक्शन स्टार्ट करवाना चाहते हो उस पर क्लिक करो। ठीक है, इंग्लिश से यहाँ से मैं दूसरा सेक्शन स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से सेक्शन पे जाऊंगा, फिर से ऐड सेक्शन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक और सेक्शन आ चुका है, आ गया। इसके बाद मैं मैथ्स का सेक्शन अलग बनाना चाहता हूँ, तो मैथ्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड सेक्शन। देखो अब ये तीन सेक्शन अलग अलग हो गए, ये देखो ये हिंदी का, ठीक है, ये इंग्लिश का और ये मैथ्स का। आप चाहो तो इस सेक्शन के नेम भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ आ गया, मैं रीनेम सेक्शन का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर लिख दो, मैंने लिख दिया हिंदी, रीनेम कर देता हूँ यहाँ से, देखो हिंदी का ये, ठीक है, यहाँ से चेंज कर दो इसका इंग्लिश, ठीक है, रीनेम कर दो, ये देखो इंग्लिश का हो गया। और मैथ्स का चाहते हो तो यहाँ से आप मैथ्स का सेक्शन का नाम चेंज कर दो, रीनेम सेक्शन मैथ्स। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अगर आप इन सेक्शंस को रिमूव करना चाहते हो या फिर
एकदम इकट्ठा करके रखना चाहते हो तो आप ये देख रहे हो कोलैप्स ऑल का बटन, आप इस पर क्लिक करो। तो जब आप कोलैप्स ऑल करोगे तो जितने भी आपके सेक्शन होंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, अब आप जिस सेक्शन को ओपन करना चाहते हो, जिस सेक्शन की आप स्लाइड देखना चाहते हो उसको क्लिक करो, वही स्लाइड्स आपको यहाँ पे फिर शो होंगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन का मतलब क्या होता है। और इसे हटाने के लिए आप क्या करोगे, सेक्शन में जाओगे, रिमूव ऑल सेक्शन कर देना, या फिर एक एक करके हटाना है आपको तो आप क्या करोगे, एक सेक्शन को सेलेक्ट करोगे और उसे रिमूव कर दोगे, ठीक है। और अगर आप इन सब को वापस से पहले से ओपन करना चाहते हो तो एक्सपेंड ऑल पे क्लिक कर दो, ये एक्सपेंड हो जाएंगे। ओके, अब जरा सीखते हैं हम आगे इसके ऑप्शंस को। देखो आगे तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको आती ही होंगी, क्या होता है ये, इससे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसमें एक नया ऑप्शन है शेडिंग, दे सकते हो। देखो शेडिंग यहाँ पे आ रही है ना, ये देखो बैकग्राउंड में, ठीक है, ये नया ऑप्शन यहाँ पे आ गया, आपको मिल चुका है। ये स्ट्राइक थ्रू कट जाएगा यहाँ से आपका लेटर। यहाँ पे देखो एक और नया आपको फीचर यहाँ मिलता है, क्या फीचर है जरा ध्यान से देखो। जो मैंने देखो हिंदी लिखा है ना, ये अभी तो फिलहाल ठीक ही दिख रहा है, जैसे वर्ड के बीच का, एक लेटर के बीच का जो स्पेस है आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है, कैरेक्टर स्पेसिंग की मदद से। आप इस पर क्लिक करो, देखो अभी नॉर्मल है, मैं लूज़ करता हूँ तो देखो वेरी लूज़ करता हूँ तो देखो लूज़ हो गया, ज़्यादा स्पेस आ गया एक एक कैरेक्टर के बीच में। लेकिन अगर मैं यहाँ से टाइट करता हूँ तो देखो वेरी टाइट में, इतना टाइट में, इतना नॉर्मल में, इतना लूज़ में, देखो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं यहाँ से ऐसे चेंज करता हूँ तो, ठीक है, मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ पहले जैसा। अगला है आपका चेंज केस, आप यहाँ से सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटेंस केस का मतलब फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे आपके लेटर्स, जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा फिर उसके बाद से ही कैपिटल लेटर आपका स्टार्ट होगा। ओके, यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, आपको पता है। यहाँ से आप क्या करोगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से जो भी आपने यहाँ पे कलर वगैरह चेंज किए होंगे, साइज़ चेंज किया होगा, उसको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। देखो मैंने क्लियर कर दिया, हो गया क्लियर। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट का, देखो मैंने रेड कर दिया, देखो यहाँ पे रेड कलर का टेक्स्ट हो चुका है। ओके, ज़्यादा ही बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला, ये सारी चीज़ें आपको करवा रखी है मैंने, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ कर सकते हो, जैसी बुलेट्स चाहते हो आप वैसी बुलेट्स लगा लो। अभी काफ़ी बड़ा है इसलिए बड़ा दिख रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ, देखो छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एंटर करके जो भी आप टाइप करना चाहो आप टाइप कर सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ से नंबरिंग में चेंज करना चाहो तो नंबर्स चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं सेलेक्ट करके यहाँ में नंबर पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो नंबर में कन्वर्ट हो गया। सेंटर में चाहते हो तो सेंटर आ जाएगा, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई आपको करवाई रखा है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम्स आपको मिलते हैं ऑप्शन। अब ये कैसे वर्क करता है जरा ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर का जो भी सारा टेक्स्ट है उसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ से बुलेट्स को भी हटा देता हूँ, और इसमें मैं कुछ कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ। फिर आप देखिएगा इसका यूज़ किस तरह से होता है। वैसे ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी करवा रखा है, वन कॉलम टू कॉलम को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को पेस्ट करता हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया, पेस्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं तो थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ। ओके, अब ये मेरे पास क्या है, टेक्स्ट है, लेकिन ये कहाँ आ रहा है, एक ही पैराग्राफ में देखो आ रहा है, एक ही पूरे कॉलम में आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये टू कॉलम से डिवाइड हो जाए, तो कैसे होगा, होम पे जाओ, यहाँ देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है वन कॉलम टू कॉलम पे क्लिक करो, तो देखो ये टू कॉलम्स में आपके डिवाइड हो चुका है, ये देख रहे हैं आप, बीच में हल्की सी लाइन आ गई होगी। थ्री कॉलम्स में चाहते हैं तो थ्री कॉलम्स पर क्लिक करिए, देखिए थ्री कॉलम्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मोर कॉलम्स में जाके आप इसका स्पेस वगैरह आप मैनेज और मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे स्पेस बढ़ाया तो देखो यहाँ पे स्पेस में थोड़ा 3 सेंटीमीटर का देके ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे बीच में 3 सेंटीमीटर स्पेस आ चुका है। तो आप इस तरह से स्पेसिंग को भी इसमें मैनेज कर पाओगे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर ये देखो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग का। इसमें क्या होगा, आप दो लाइन के बीच की स्पेसिंग को ज़्यादा और कम कर सकते हो। देखो कम और ज़्यादा हो रही है, ठीक है, देखो 2.0 में ज़्यादा हुई, 1.0 पे कम हो गई, ठीक है। अब जानते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी देखो ये जो टेक्स्ट है आपका
हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, मैं इसे वर्टिकली करना चाहता हूँ, तो आप जाइए टेक्स्ट डायरेक्शन में, यहाँ से देखो वर्टिकल, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से वर्टिकल कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर अलाइंग टेक्स्ट। अब अलाइंग टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो टॉप मिडल बॉटम, ये प्रेजेंट कर रहा है जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे टॉप से शुरू हो रहा है। अगर आप इसे मिडल में शुरू करना चाहते हो तो मिडल सेलेक्ट कर लो, तो बीच से शुरू होगा, ठीक है। बॉटम से नीचे से लिखना चाहते हो तो नीचे बॉटम सेलेक्ट कर लो। ओके, अगला ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। याद होगा हमने इसे स्मार्ट आर्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था, तो कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इनका, देखो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपना पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर का ऑप्शन है इसके अंदर, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे यही पिक्चर मैंने ले ली, ठीक है। तो देखो पिक्चर इंसर्ट हो गई, यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखना चाहो उसे आप लिख सकते हो, और यहाँ से 2 चाहिए 3 चाहिए आप इसे बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ये देखो ऐड शेप पे क्लिक करो, देखो यहाँ से बढ़ गया, एक और करो, देखो इस तरह से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो स्मार्ट आर्ट आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि अगर नहीं आया समझ में तो आप ऐसा करिए हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं आगे, ये सब चीज़ें आपको आती हैं शेप्स वगैरह बनाना, ये देखो ये सारी शेप्स वगैरह हैं, आप इसे यूज़ कर लो बना करके, इसका कलर वगैरह चेंज करना, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आप चैप्टर्स में जाइए, वहाँ देखिए फॉर्मेट चैप्टर को, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये होम में जो भी अरेंज बैक फ्रंट बैक ये सारी चीज़ें आपको करवा रखी है। शेप फिल करना, देखो आप यहाँ से भी इसमें शेप फिल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से ढंग से करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले चैप्टर्स को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। ओके, बाकी ये फाइंड एंड रिप्लेस ये सारी चीज़ें, लेकिन जो जो चीज़ें इसमें नई थी वो मैंने आपको करवा दी हैं, इसलिए अब हमारा जो पावर पॉइंट का होम चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अचीव करेंगे अपने इंसर्ट सेक्शन को भी। वैसे इंसर्ट में भी ज़्यादातर लगभग मैंने आपको करवा ही दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करवाई हैं, क्योंकि पावर पॉइंट में वो नई चीज़ें हैं, जैसे कि फ़ोटो एल्बम हो गया आपका, एक्शन भी मैंने करवा चुका हूँ आपको, गेम में मैंने एक्शन करवा दिया था, वीडियो ऑडियो ये भी सीख लेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में अचीव करेंगे। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हो तो, और अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने होम टैब के सभी मेन्यू के ऑप्शन को कम्प्लीट कर लिया था। ओके, सो अब हम इंसर्ट टैब को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है टेबल का, आप कैसे इंसर्ट करोगे यहाँ टेबल। सो सबसे पहले जो ये टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हो, मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, और फिर अगर आपको इंसर्ट करना है टेबल तो आप इस पर क्लिक करिए, और यहाँ से जितने कॉलम्स चाहिए जितने रोज चाहिए आप यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद आप इसमें कुछ भी टाइप करना चाहो तो आप टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया, यहाँ नेम टाइप कर देता हूँ, तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हो। यहाँ से आप देखो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि जो फर्स्ट रो हो मेरी, जो फर्स्ट रो है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो आप क्या करो, इरेजर लो यहाँ पर, और इसके ये बीच की लाइन को ऐसे डिलीट कर दो, ये बॉर्डर को देख रहे हो, तो अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एक ही कॉलम बन चुका है, ये देख रहे हो आप, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसे सेंटर में भी करना चाहो तो कंट्रोल ई से देखो सेंटर में भी कर सकते हो, तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप और भी टेबल के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल चैप्टर को वहाँ पे जाके आप देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से टेबल को बनाना है और भी अच्छे से। बाकी आप इसे ऐसे मैनेज वगैरह भी कर सकते हो, देख रहे हो आप कुछ इस तरह से, अगर आप मैनेज करना चाहो, अगर आपको ऐसे भी मैनेज करना है तो इस तरह से आप कॉलम्स के साइज़ को भी और इसके विड्थ को भी ऐसे मैनेज कर पाओगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पिक्चर, आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहो तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें कोई भी पिक्चर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो, और जो पिक्चर्स के आप ऑप्शन देख रहे हो फॉर्मेट,
ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हैं। आपको क्या करना है, अगर आप ये दोबारा से सीखना चाहते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चैप्टर में जाना होगा और वहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पिक्चर चैप्टर पढ़ना होगा। ओके, सो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, आप वहाँ जा कर के उस चैप्टर को कंटेन कर लीजिएगा। ओके, जो चीज़ इस पावर पॉइंट पर नई है, न्यू है, जो वर्ड में नहीं था, मैं सिर्फ वही यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ओके, सो इंसर्ट करना तो मैंने आपको सिखा दिया, क्लिप आर्ट भी मैं आपको पता ही होगा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, सर्च हो रहा है। देखो मैं जैसे मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया है, नेचर टाइप किया है, तो नेचर के रिगार्डिंग जो पिक्चर्स होंगी वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर पिक्चर लाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, तो आप यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए नेचर की पिक्चर आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा, फटाफट से पिक्चर आपके सिस्टम में पहले डाउनलोड होएगी और उसके बाद आपके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए डाउनलोड होके यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब सीखते हैं आगे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट देखो क्या होता है, जितनी भी आपकी यहाँ नीचे विंडोज़ ओपन होएगी, जैसे पावर पॉइंट की एक विंडो देखो ये ओपन हो रखी है, तो मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी देखो अवेलेबल में ये एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ रहा है। ओके, बाकी आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करो और वेट करो। ठीक है, जैसे आप वेट करोगे आपकी जो स्क्रीन है थोड़ी ब्लर हो जाएगी। आपको फिर जितना सैम्पल चीज़ जिसमें इतना चाहता हूँ इसे सेलेक्ट कर लो और इसे स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पे देखो आ गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसी स्क्रीनशॉट का यूज़ करो। सिंपल से आप क्या करो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको जिस भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप क्या करो, आपके कीबोर्ड के अंदर एक प्रिंट स्क्रीन नाम का बटन होगा, आप उसको क्लिक करो एक बार और क्या करो, पावर पॉइंट में आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। कैसे पेस्ट होगा, ये देखो पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया, देखो पेस्ट हो गया, पूरी की पूरी देखो विंडो यहाँ पे पेस्ट हो गई। ओके, सो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब जरा सीखते हैं इसमें फ़ोटो एल्बम कैसे बनाया जाता है। देखो फ़ोटो एल्बम, आपको क्या करना है, फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करना है और यहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट करिएगा। ठीक है, आप जितनी पिक्चर चाहें उतनी इंसर्ट कर सकते हो, तो मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ बहुत सारी पिक्चर्स, ये 8 पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 8 की 8 फ़ोटोज़ आ गई। अब जो यहाँ देखिए नीचे पिक्चर लेआउट आप सेट करो कि आपकी जो पिक्चर हैं वो कैसे आएंगी, मतलब एक पेज पे फुल आएंगी या फिर एक पिक्चर आएगी कुछ इस तरह से, देखो ऐसे फिट पूरी, या फिर दो पिक्चर चाहते हो, देखो यहाँ 2 पिक्चर्स, देखो 2 पिक्चर ऐसे ही आएगी, या फिर अगर 4 पिक्चर्स चाहते हो तो 4 पिक्चर्स ऐसे आएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 पिक्चर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पिक्चर का आप फ्रेम चूज़ करो, रेक्टेंगल में चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल में चाहिए, जैसा आप चाहिए वैसा रखो। याद होगा आपको फ्रेम पता होंगे, सॉफ्ट एज वाला चाहिए तो आप यहाँ से देख लो। ठीक है, रही बात थीम की, तो थीम हम अभी आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यही वाला ले लिया। ठीक है, आप ऐसे क्रिएट पर क्लिक कर दो, तो जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करोगे आप, तो देखो ये फ़ोटो एल्बम बन के यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली तैयार हो गई। ये देखो सेकंड पे ये एक फ़ोटो ये आ गई, हमने 1 फ़ोटो चूज़ किया था तो एक एक फ़ोटो हमारे यहाँ पे आ गई, लेकिन अगर हमने 2 फ़ोटोज़ चूज़ किया होता तो यहाँ पे हमारे 2 फ़ोटो एक साथ आती। ठीक है, अब रही बात थीम की, तो थीम क्या होगा, जो ध्यान से देखो, ये डिज़ाइन देख रहे हो, ये डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं, थीम्स ही हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना थीम्स, तो आप जो थीम्स इसमें से पसंद करना चाहो यहाँ से ले लो, जैसे कि मैं इसमें से ले लेता हूँ ये देखो ये वाला फ़ोटो एल्बम, और देखो आपका फ़ोटो एल्बम कितना अच्छा और भी अच्छा यहाँ दिखने लग गया है। ठीक है, और दूसरी चाहिए तो आप दूसरी ले लो, देखो क्लिक करो यहाँ, देखो सब में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आपको जो पसंद आए यहाँ से थीम, आप वो थीम यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। ओके, सो अब जानते हैं, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए ज़रा, ये हमने फ़ोटो एल्बम तो यहाँ देखो बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे प्ले करके देखूँ, तो प्ले करने के लिए आप क्या करोगे, F5 बटन प्रेस करोगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे F5 बटन प्रेस करता हूँ, तो देखो फुल स्क्रीन में आ गया फ़ोटो एल्बम, स्पेस दबाओ, देखो चेंज हो रही है फ़ोटो, ये देखो स्पेस दबाओगे फ़ोटो चेंज होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट, कि इसके अंदर जो फ़ोटो है जो बदल रही है थोड़ा अलग स्टाइल में बदले, तो आप क्या यूज़ करोगे,
ट्रांजिशन ऑप्शन का, और यहाँ से कोई सा भी आप चूज़ कर लो। फ़िलहाल के लिए मैं एक चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे इसको चूज़ कर लिया मैंने, गैलरी, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसी को मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल, तो ये सभी पे लग जाएगा। अब मैं जब F5 करूँगा फुल स्क्रीन में, तो देखिए कैसा आएगा। पहले ही आया, फिर स्पेस दबाया मैंने, देखो कुछ ये फ़ोटो आए, फिर स्पेस दबाया या एंटर करोगे या क्लिक करोगे, तो एक एक करके इस तरह से आपकी फ़ोटो एल्बम यहाँ पर बन जाएगी। ओके, तो चलिए आगे करते हैं। इंसर्ट में अगला ऑप्शन शेप्स है, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से कोई सी भी। पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ पहले इन सबको मैं। ओके, मैंने डिलीट कर ली, मैं यहाँ से एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ पहले, न्यू स्लाइड, ठीक है। और यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए शेप्स में आप कोई सी भी शेप्स ले लो और यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। इसे कलर करना हो तो फॉर्मेट में जाओ, शेप फिल में जाके यहाँ से कलर कर लो, ठीक है। और शेप्स के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जाइए हमारे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शेप्स भी मैंने उसमें करवा रखी है, ठीक है। अगर जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो मिस किया है ना, उसको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो मिस नहीं किया है उसको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी शेप्स में, क्योंकि शेप्स भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले करवा रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस के अंदर। ओके, स्मार्ट आर्ट क्या है ये भी हमने कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। स्मार्ट आर्ट देखिए, ये कुछ इस तरह से आर्ट्स होते हैं, आप इसमें टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब ये काम क्या आते हैं, इसका मतलब ये होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक इंसर्ट करता हूँ मैं स्मार्ट आर्ट यहाँ से, सो जैसे कि मैं इसको इंसर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बना सकते हो इस डायग्राम के थ्रू, एक फूड चेन बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रैट, यहाँ पे लिख सकते हो कैट, यहाँ लिख सकते हो डॉग, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, डॉग कैट, फिर कैट से रैट, मीन्स एक फूड चेन अगर आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, या फिर और भी कोई प्रोसेस आप लिखना चाहो तो वो भी बना सकते हो। कलर वगैरह आपको चाहिए तो चेंज कलर यहाँ से आप कर सकते हो, बाकी आपको खुद पता है कैसे कलर करना है, क्योंकि ये सब शेप्स ही हैं। आप इन शेप्स का कलर फॉर्मेट में जाके जो आपको कलर चाहिए आप उसे चूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, अगला है चार्ट। आप चार्ट पर क्लिक करिए, चार्ट इंसर्ट करिए यहाँ से जो भी आपको इंसर्ट करना है। जब आप इसे इंसर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी चार्ट इंसर्ट होता है तो टेबल से कंट्रोल किया जाता है, और टेबल कहाँ होते हैं हमारे, एक्सेल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में याद है ना आपको किस तरह से हम टेबल को मैनेज करते हैं। बाकी देखो सीरीज़ वन, सीरीज़ टू, सीरीज़ थ्री लिखा है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, इसको भी चेंज कर लोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ना कैटेगरी वन, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर, ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2017, तो देखो यहाँ चेंज हो गया, सीरीज़ वन चेंज करो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए वीट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, और यहाँ पे अगर आप इसको वैल्यू चेंज करोगे देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू में भी आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा। देखो 8 मैंने करी, ये देखो चेंज हुआ, ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप चार्ट भी इस तरह से करिए, और अच्छे से जानना चाहते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर करवा रखी हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक का क्या यूज़ होता है, अगर आपको पता है तो जो है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं इस वीडियो में आपको हाइपरलिंक का यूज़ नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको हाइपरलिंक अच्छे से बता रखा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हाइपरलिंक का यूज़ क्या होता है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। एक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ, गेम जब हमने बनाया था उसमें हमने एक्शन का यूज़ कर लिया था। टेक्स्ट बॉक्स आपको पता है, आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करोगे, कुछ भी टाइप करोगे और उसे बड़ा छोटा करना और मूव करना इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं जो हमने नहीं किया है, बाकी हेडर फुटर भी आपको पता ही है हेडर फुटर से क्या होता है, ठीक है। तो आप हेडर फुटर पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद आपको जो हेडर में डालना है आप यहाँ पर डाल दोगे। पहले तो इसे अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करो, ठीक है। जब अप्लाई टू ऑल क्लिक करोगे, ओके कुछ अभी हुआ नहीं, वापस से क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे जाओ नोट्स एंड हैंडआउट्स,
और यहाँ देखो हेडर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर इनेबल कर लो और जो हेडर में आप देना चाहते हो दे दो। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे पीपीटी और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो जो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, सो दिखेगा कब, जब आप इसे F5 करोगे तब। देखो मैंने यहाँ पे F5 किया, ओके यहाँ पे भी आपको शो नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसके अंदर इसलिए अभी शो नहीं हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है यहाँ देखिए ये हमारा जो हेडर फुटर है वर्क क्यों नहीं कर रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, नोट्स एंड हैंडआउट्स। जब हम इसमें नोट्स वगैरह बनाएंगे बड़े वाले पेज पे, तो वहाँ पे आप हेडर का सिर्फ यूज़ कर पाओगे और ऐसे आप हेडर का यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब अभी हम किस में काम कर रहे हैं, स्लाइड्स में काम कर रहे हैं, और स्लाइड्स आपको यहाँ चूज़ करना है। और अगर आप यहाँ फुटर देना चाहते हो तो बस आप फुटर ही यहाँ पे दे सकते हो, हेडर नहीं दे पाओगे। ठीक है, या फिर आपको डेट एंड टाइम देनी है तो डेट एंड टाइम को आप यहाँ से एनेबल कर लो। स्लाइड में नंबर देना चाहते हो यहाँ पे साइड में, तो स्लाइड नंबर आ जाएगा। फुटर में आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दो या अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर आ गया, ये देखो डेट आ गई, ये फुटर आ गया और ये स्लाइड नंबर आ गया। ओके, आप जब भी स्लाइड में काम करोगे तो यहाँ पर आप हेडर नहीं डालोगे और डाल भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हेडर यहाँ पे डालने का। लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो आप सिंपल से टेक्स्ट बॉक्स लेके आप डाल पाओगे। ओके, अगला क्या है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप ये देखिए यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर पाओगे, जैसे कि इसी को देख लो, इसी को मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखो, इस पर क्लिक किया, ये देखो आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से आप चेंज कर लो इसे। ओके, इंसर्ट में डेट एंड टाइम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप डेट एंड टाइम भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो आ गया डेट एंड टाइम भी, और ये स्लाइड नंबर अभी मैंने आपको बता दिया, ये देखो वही चीज़ है, यहाँ से ऑन कर लोगे तो यहाँ पे स्लाइड नंबर आ जाएंगी। ओके, अगर मैं कोई और भी स्लाइड लूँ, जैसे कंट्रोल एम से अगर मैं यहाँ स्लाइड लेता हूँ, तो जो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्लाइड का नंबर चेंज हो रहा है। ओके, अब जो है देख लेते हैं आगे, इक्वेशन वगैरह आप इंसर्ट करना चाहो इसमें तो इक्वेशन वगैरह इंसर्ट भी आप कर सकते हो। ओके, इंसर्ट नहीं भी अभी हो जाएगी, वेट कर लीजिए थोड़ा। सो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है इक्वेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, ओके सो आगे देखते हैं हम वीडियो, कि वीडियो हम अपने पावर पॉइंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जब भी आप वीडियो इंसर्ट करोगे वो .wmv फॉर्मेट की होनी चाहिए, तभी वीडियो इसमें इंसर्ट होएगी। ठीक है, अगर आप MP4 वीडियो वगैरह डालोगे तो MP4 वीडियो आपकी इंसर्ट नहीं होने वाली। सो आप यहाँ पे देखो क्लिक करो, देखो WMV फॉर्मेट की मेरी वीडियो है, देखो लिखा है ना .wmv। आप इंसर्ट पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे इंसर्ट हो रही है मेरी वीडियो, ये देखो इंसर्ट हो गई। आप यहाँ से इसे प्ले पॉज कर सकते हो, देखो मैंने प्ले कर लिया, इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहो वीडियो को, देखो यहाँ से आप ऐसे चेंज कर सकते हो, फ्रेम लगा सकते हो। ओके ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है, ऑडियो। तो आप अगर ऑडियो इंसर्ट करना चाहो तो आप ऑडियो इंसर्ट कर लो। तो मैं आपको यहीं पे इसको हटाता हूँ पहले, मैं यहाँ पे इसका जो लेआउट है चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ऑडियो इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो ये ऑडियो मैंने इसे इंसर्ट किया और ये देखिए यहाँ पर ये मेरा ऑडियो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए हो गया, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। इसे देखो मैं प्ले करूँगा, देखो यहाँ से प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हो गया प्ले। ओके, आई थिंक आपको इंसर्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इंसर्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो देख लीजिए, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको इंसर्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब डिज़ाइन पे आते हैं। वैसे डिज़ाइन में तो ज़्यादा कुछ अब रह नहीं गया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया थीम्स क्या हैं। यहाँ से आप थीम्स का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक थीम लेता हूँ। जैसे मैंने देखो ये वाली फर्स्ट जो थीम है ये मैंने थीम ले ली, मैं चाहता हूँ ये ग्रीन कलर की ना हो, ब्लू कलर की हो। तो आप यहाँ से इसका कलर कुछ इस तरह से देखो चेंज कर सकते हो।
मतलब सेम डिज़ाइन रहेगा, सेम थीम रहेगा, लेकिन अब कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर चाहते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसके फॉन्ट्स भी वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि देख रहे हो 29 लिखा है ना, इसमें आप कौन सा फॉन्ट देना चाहो तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। इफेक्ट देखो कैसा देना चाहते हो आप, यहाँ से इफेक्ट का यूज़ करके देखो। देखो अभी कौन सा इफेक्ट यूज़ हो रहा है, ऑस्टिन इफेक्ट। ठीक है, अब ब्लैक टाई इफेक्ट दो, ऑटोमेटिकली थोड़ा ना थोड़ा आपको यहाँ पे जो इफेक्ट है वो प्रीव्यू होगा। ओके, मैं चाहता हूँ इसमें जो बैकग्राउंड कलर, देखो यहाँ लिखा है ना बैकग्राउंड स्टाइल, अगर चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड स्टाइल भी कुछ इस तरह से देखो चेंज कर सकते हो। ओके, मैं चाहता हूँ जो इसमें ये देख लो ये बन के आ रहे हैं इसमें ग्राफिक्स बैकग्राउंड में, इसे छुपाना चाहता हूँ तो आप यहाँ हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक करो। देखो सब छुप गया। ठीक है, सो हमें अभी इसे ऐसे ही रहने देना है। अब जरा जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पेज सेटअप है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो ये स्लाइड बन रही है ये थोड़ी साइज़ जो है इसका थोड़ा विड्थ ज़्यादा रहे, मीन्स आपकी स्क्रीन का साइज़ रहे, तो देखो यहाँ आपको साइज़ शो हो रखा है, आप जो साइज़ लेना चाहते हो वो ले सकते हो। देखो अभी हमारा जो साइज़ है वो 16x10 का है, तो आप 16x10 का क्लिक करके ओके करो तो देखो थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ गई। ओके, तो आप यहाँ से A4 साइज़ में भी, A3 साइज़ में भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ देखो A4 ले लिया तो ये A4 साइज़ में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरीके की स्लाइड्स हैं। अगर आप इसे पोर्ट्रेट में दिखाना चाहते हो तो आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लो, और लैंडस्केप में दिखाना चाहते हो तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट कर लो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आई थिंक आप, मेरे को लगता है कि आपको इंसर्ट और डिज़ाइन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। सो अगली वीडियो में हम ट्रांजिशन और एनिमेशन चैप्टर को कंटेन करेंगे डीप में। ओके, स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर आपने डिज़ाइन टाइप को कंटेन किया था, और आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिशंस को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांजिशन होती क्या है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स हैं, मीन्स ये जो पेज है आपका, ये किस डिज़ाइन में, किस वे में आपका रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्लिक टू ऐड टाइटल सिर्फ एक ही पेज है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कुछ पेजेस को, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स को यहाँ पे ला के रख देता हूँ। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजिशन उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कई सारी स्लाइड्स लाने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो एल्बम को क्रिएट करने जा रहा हूँ, जो कि याद होगा आपने भी बना रखा होगा और सीखा भी होगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फ़ोटो एल्बम पर जाता हूँ और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इन 5 फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया और इसे इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक पेज पे एक ही पिक्चर रखने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ, जिससे होगा क्या, यहाँ पे देखिए मेरे पास कई सारी स्लाइड्स आ जाएंगी और इन हर एक स्लाइड्स के अंदर अलग अलग पिक्चर्स मेरे को दिखेंगी। ठीक है, अब जरा ट्रांजिशन को जानते हैं और भी अच्छे से। आ जाइए जरा यहाँ ट्रांजिशन पे, और यहाँ पे देखिए आपको कई सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशन के, अलग अलग डिज़ाइन के। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट, ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए आपको ट्रांजिशन दिख रहा है। अब ये ट्रांजिशन है क्या, ट्रांजिशन एक तरीके का डिज़ाइन है, एक तरीके का एनिमेशन है, जो कि प्रीव्यू होता है आपके पेज के ऊपर। ठीक है, मीन्स पेज आपका किस वे में, किस डिज़ाइन में ओपन हो, ये डिफाइन करने का काम कौन करता है, आपका ट्रांजिशन करता है। जैसे इस पेज को कैसे ओपन करवाना चाहता हूँ, मैं कुछ इस तरह से ओपन करवाना चाहता हूँ, तो देखो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस थर्ड वाले को मैं कैसे ओपन करवाना चाहता हूँ, इस तरह से, तो देखो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी ट्रांजिशन, मीन्स किस तरह से आपका पेज ओपन हो पावर पॉइंट में, मीन्स आपकी जो स्लाइड्स हैं वो कैसे ओपन हो, वो शो करने का काम किसका है, ट्रांजिशन का है। ठीक है, तो जो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है प्रीव्यू का, इसका क्या यूज़ होता है, अगर आपने अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन लगा दिया है और आपको ये प्रीव्यू नहीं हो रहा है, तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रीव्यू करके दिखा देगा कि जो आपने ट्रांजिशन लगाई है वो किस तरह से प्रीव्यू होगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन। अब इफेक्ट ऑप्शन क्या है जरा वो देखिए, आप यहाँ पे कोई सी भी अगर ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे तो सभी ट्रांजिशन के अंदर अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी जो देखो मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन लगाई है, सॉरी ट्रांजिशन लगाई है,
सो उसे देखो, मैंने ऐसे प्रीव्यू किया तो देखो ये हॉरिजॉन्टली मेरे को इस तरह का डिज़ाइन दिखाई दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ यही डिज़ाइन, यही ट्रांजिशन वर्टिकली हो, सॉरी हॉरिजॉन्टली हो कुछ इस तरह से। अभी ये वर्टिकली थी, अब मेरे को हॉरिजॉन्टली देखनी है, तो आप यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली को सेलेक्ट कर लो और अब इसे प्रीव्यू करो, तो देखो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आ जाऊँ यहाँ शेप पे, तो देखो मैं शेप पे आ गया, यहाँ पे शेप वाली मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे लगाई। अब यहाँ से देखो शेप की ट्रांजिशन के इफेक्ट देख लीजिए, अलग अलग हैं, आप इनको क्लिक करके चेक करो, देखो कौन सा इफेक्ट आपको कैसा दिखाई देता है। तो आप आई थिंक आप ये बात समझ चुके होंगे कि जितनी भी यहाँ पे ट्रांजिशन है सभी ट्रांजिशन के अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे पुश अप हो रहा है, ठीक है, मीन्स ऊपर साइड में जा रहा है, मैं चाहता हूँ डाउन हो या लेफ्ट हो या राइट हो, तो यहाँ से देखो इफेक्ट ऑप्शन के अंदर से जा करके मैं इसे चूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो आई थिंक आपको ये बात तो सही से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके आगे वाले ऑप्शंस पे। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है साउंड, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे साउंड देना जैसे ही मेरी स्लाइड ओपन हो और साउंड भी ओपन हो, तो क्या हो कि देखो इस तरह से आप साउंड लगा लो, ये देखो ये देख रहे हैं, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर यहाँ पे ऐसे साउंड को सेलेक्ट कर लेते हो तो होगा क्या, जैसे ही आपका पेज आएगा तो उसी के साथ साथ आपका जो साउंड भी है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे देखो ये स्लाइड ऐसे चल के आ रही है, एनिमेशन जो ट्रांजिशन आ रही है उस ट्रांजिशन की टाइमिंग आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी तेज आए और कितनी धीरे आए, मीन्स कितने सेकंड में आए और कितने सेकंड में जाए। ठीक है, तो देखो अभी कितने सेकंड में आ रही है, ये 1 सेकंड में आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ 10 सेकंड में आए, तो आप यहाँ पे 10 डिफाइन कर दोगे, या फिर आप इससे ना ऐसे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, मेरे सिस्टम में, मेरे पावर पॉइंट में ये टाइमिंग सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइमिंग चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो मेरे इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये टाइमिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो पा रहा है। आपको क्या करना है, आप जब इसका यूज़ करेंगे तो अपने सिस्टम में आप यहाँ से टाइम बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो आपके सिस्टम में ये वर्क करेगा। और अगर आप यहाँ 10 सेकंड दे देंगे तो जो यहाँ पे आपको ये स्लाइड दिख रही है इस तरह से ट्रांजिशन करते हुए, ये जो ट्रांजिशन है बहुत ही स्लोली आएगा। ठीक है, आप इसे ज़रूर एक बार करके देखिएगा, मेरे सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है कुछ प्रॉब्लम के वजह से। ठीक है, सो इसीलिए मैं अभी इसे स्किप कर रहा हूँ, बाकी मैंने आपको इसका यूज़ जो है वो बता दिया है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा। ओके, अब जो है देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब जो आपने ट्रांजिशन इस स्लाइड पे लगाई है, क्या वो ट्रांजिशन आप सब पे लगाना चाहते हैं? अगर आप सब पे लगाना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि देखो 4 पे नहीं लगी, 5 पे नहीं लगी, लेकिन मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो देखो सब पे लग जाएगी। अब मैं किसी पे भी क्लिक करके प्रीव्यू करूँगा तो देखो उस पे वो ट्रांजिशन जो है वो लग जाएगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा जानते हैं यहाँ एडवांस स्लाइड ये क्या है। इसमें देखो दो ऑप्शन है, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। ठीक है, ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कि जब आप स्लाइड को चलाओगे F5 करके, जैसे देखो मैंने चलाया F5 करके, ठीक है, और जब मैं क्लिक करूँ तभी स्लाइड आगे बढ़े, अपने आप स्लाइड आगे ना बढ़े, तो आप क्या रखोगे, ऑन क्लिक वहाँ से चेक रखोगे। देखो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अगली स्लाइड आई, फिर से क्लिक करता हूँ फिर देखो अगली स्लाइड आई। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऑन माउस क्लिक का मतलब ये होता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी स्लाइड को तो क्लिक करने के बाद ही आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरी स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे। मैं चाहता हूँ कि पहली स्लाइड आई 5 सेकंड के लिए, दूसरी स्लाइड आए 10 सेकंड के लिए, तीसरी स्लाइड आए 15 सेकंड के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर को चेक करना पड़ेगा और ऑन माउस क्लिक को ऑफ करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, हर एक स्लाइड के लिए आप यहाँ पे टाइमिंग डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट करी, तो इसके लिए भी आप क्या करो, ऑन माउस को ऑफ करो, आफ्टर को ऑन कर दो। ठीक है, और यहाँ से आप टाइमिंग डिफाइन कर दो कि आपको ये वाली स्लाइड जो है कितने सेकंड तक दिखानी है। मैंने अभी आपको बताया था मेरे सिस्टम में ड्यूरेशन वाले जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, सो आप यहाँ से अपनी टाइमिंग को सेट कर लीजिएगा, आपकी टाइमिंग आपके सिस्टम में सेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप 1 सेकंड या 2 सेकंड आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और अगर अप्लाई टू ऑल आप कर दोगे तो जो भी आपने यहाँ पे ये सब एडवांस सेटिंग वगैरह की है वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और अप्लाई टू ऑल पे करता हूँ, और अगर मैं इसे F5 से प्रीव्यू करूँ तो देखिएगा अपने आप स्लाइड जो है वो चेंज होगी। सो देखो
मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली देखो 0 सेकंड पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है स्लाइड, ठीक है। सो आई थिंक आपको सही से समझ में आ गया होगा कि ये टाइमिंग किस तरह से वर्क करेगी। और अगर इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट पे आके हमसे चैट भी कर सकते हैं। ओके, सो ट्रांजिशन के अंदर सिर्फ इतना ही था, अब चलते हैं एनिमेशन के पास, ठीक है। सो एनिमेशन क्या होती है? एनिमेशन देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ कि एनिमेशन क्या होती है। ओके, आपको मैं पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक शेप बनाता हूँ, ये शेप, ठीक है। अभी जो है देखो, ये शेप मूव हो रही है, कहीं इस तरह से मूव हो रही है ये शेप, एक जगह जहाँ मैंने बना के रखा है ये वहीं पे है। तो आप इसे क्या बोलोगे? दिस इज़ अ स्टेलेडॉन ग्राफिक्स। ये कौन सा ग्राफिक है? स्टेलेडॉन ग्राफिक इसे बोलोगे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपकी इस तरह से मूव कर रही हो इधर उधर, तो आप उसे बोलोगे मोशन ग्राफिक। आप उसे क्या बोलोगे? मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। तो उसी मोशन ग्राफिक्स को कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है एनिमेशन, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एनिमेशन किसे कहते हैं। एनिमेशन उस ग्राफिक्स को कहते हैं जो ग्राफिक्स आपकी इधर उधर पेज में मूव कर रही होती है, ठीक है। सो आई थिंक समझ गए एनिमेशन क्या है। अब एनिमेशन लगाएंगे किस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो देखो, आप एनिमेशन शेप पे लगा सकते हो, फोटो पे लगा सकते हो, टेक्स्ट पे लगा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ जो फ़ोटो एल्बम यहाँ लिखा है, ये फ़ोटो एल्बम किस तरह से मूव होते हुए यहाँ पे आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से आए, ये देखो, ठीक है। अब एक चीज़ और जो ध्यान से सुनिए इसमें, कि जो यहाँ पे एनिमेशन दी गई है वो 4 टाइप्स की आपकी एनिमेशन दी गई है। 4 टाइप्स की कैसे, जरा वो देखिए। पहली है आपकी एंट्रेंस, मींस किसी भी चीज़ को लेके आने, मींस उसकी एंट्री करवाने के लिए। जैसे कि देखो, यहाँ से मैं ग्रीन वाले में से मैंने फ्लॉट इन को चूज़ किया, तो देखो क्या हो रहा है, फ़ोटो एल्बम नीचे से ऊपर आपको अपीयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, दूसरी है एम्फेसाइज्ड, ठीक है। एम्फेसाइज जो एनिमेशन होती है, ये कब हम यूज़ करते हैं? जब हम इसमें कुछ एनिमेट करवाता है, बस दिखाना चाहते हैं और वो वहीं पे रुका रहे। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये वेव वाला देखो, ये देखो यहीं पे है, कहीं आया नहीं, कहीं गया नहीं, ठीक है। ये देखो, एक बार प्रीव्यू करवा के दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल से टेक्स्ट आपका वहीं पे ही है, बस ये थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस कर रहा है, थोड़ा सा एनिमेट करता हुआ अपने आप को दिखा रहा है, मीन्स स्थिर एक जगह रुक करके आपको एनिमेट, मीन्स मूव करता हुआ दिखाएगा। तो इसे आप बोलोगे क्या? एम्फसाइज, ठीक है। थर्ड है एग्जिट, एग्जिट एनिमेशन, मीन्स जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो आपको गायब होता हुआ जाता हुआ नज़र आएगा, एग्जिट करता हुआ। यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर थोड़ा सा रुका इसमें और यहाँ से चला जाएगा। ये देखो, जैसे मैं फ्लॉट आउट करवा देता हूँ, ये देखो चला गया, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए 3 टाइप्स 4 टाइप्स की एनिमेशन। अब चौथी टाइप्स की आप नहीं समझे होंगे, मैं बताता हूँ फोर्थ टाइप कौन सी है। ये देखो, फोर्थ टाइप है आपकी मोशन पाथ। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से एनिमेशन हो, या ऐसे सर्कल में हो, तो आप पीछे देख पा रहे होंगे जो है वो एनिमेट हो रहा है सही तरीके से, देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। लाइन एनिमेशन अप टू डाउन वगैरह आप यहां से दे सकते हैं। कस्टम पाथ पे आप क्लिक करिए, कस्टम पाथ में होगा क्या, आप जैसी एनिमेशन देना चाहते हो आप इससे कस्टम पाथ से वैसी एनिमेशन खुद भी बना सकते हैं। क्लिक करिए कस्टम पाथ पे। अब मैं चाहता हूं जो ये फ़ोटो एल्बम में कैसे हो, पहले इधर आए, फिर नीचे जाए, फिर इधर आए, फिर ऊपर आए, फिर इधर आके फिर ऐसे इधर आ जाए और यहीं पर रुक जाए, ठीक है। इतना करके आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर देना, तो बस फिर देखो आपकी जो एनिमेशन है किस तरह से होएंगी। देखा आपने, एक बार और प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, जो ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैंने डिफ़ाइन किया था इसने वैसे ही किया, पहले यहाँ से मूव किया, फिर पूरे चक्कर लगाया, फिर यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। सो आई थिंक आप ये 4 तरीके की एनिमेशन समझ गए। अब इन 4 एनिमेशन को किस तरह से यूज़ करना है, जरा वो भी समझ लीजिए, ठीक है। सो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जब वो ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ इस पर एनिमेशन देना। जब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसे F5 करके प्रीव्यू करूँ, तो पहले तो ये नीचे से ऊपर आए, तो आप क्या करो, यहीं से फ्लोटिंग एनिमेशन लगा लो, ठीक है, लग गया। अब जो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एनिमेशन नंबर 1, मीन्स पहली एनिमेशन इस फोटो एल्बम पर लग चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आपके पास इफेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिस तरह से ट्रांजिशन में थे कि आप उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ से आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज
कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो आप चेंज कर ही लोगे। अब मैं चाहता हूँ यह इसके अंदर ये वाली एनिमेशन भी देना, ये वेव वाली भी। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो सिर्फ वेव ही होएगा, फेड अप नहीं होगा। जैसे फेड ऊपर आ रहा था ना नीचे से ऊपर, फिर वो नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले ऊपर से नीचे से ऊपर आए, फिर थोड़ा सा एनिमेट करे, फिर उसके बाद ये चला जाए। मीन्स मैं चाहता हूँ ये तीनों एनिमेशन, पहली एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट, ये तीनों एनिमेशन मैं इसमें लगाना चाहता हूँ। तो वो कैसे लगेगी जरा वो देखिए। पहली एंट्रेंस एनिमेशन आप यहीं से लगा लो, ठीक है। दूसरी एनिमेशन के लिए देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला है ऐड एनिमेशन, तो आप इस पर क्लिक करो। इसके बाद आप इसमें से एम्फेसाइज लगा दो, जो आप लगाना चाहो। देखो बोल्ट हो जाएगा इसमें, ये देखो कुछ बैकग्राउंड कलर ऐसे हो जाएगा। तो जो एनिमेशन आप लगाना चाहते हो इसमें से लगा सकते हो। ये देखो चाहे ये वाली लगाना चाहो ये वाली लगा लो, ये वेव लगाना है तो वेव लगा लो। मैं वेव लगा लेता हूँ, मेरे को काफ़ी पसंद है ये वाली, ठीक है। तो देखो इसी के अंदर पहली एनिमेशन, दूसरी एनिमेशन, दो एनिमेशन लग गई। अब देखो मेरे को एक और एनिमेशन लगानी है एग्जिट की। सो यहाँ आ जाओ एग्जिट में और यहाँ फ्लोट आउट कर दो, ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है, हो गया। अब देखो मैं ऐसे F5 करता हूँ तो देखिएगा कैसे आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। सो देखो मैंने F5 किया, सो ये देखो पहले फ़ोटो एल्बम आया, फिर एनिमेट हुआ, फिर चला गया। सो आई थिंक आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इन तीनों एनिमेशन का यूज़ करोगे, एक ही टेक्स्ट के ऊपर या फिर इमेज के ऊपर या फिर शेप के ऊपर। जो ये एनिमेशन आप देख रहे हो, ये एनिमेशन आप शेप के ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। और जब जहाँ पे हम एक ही चीज़ के ऊपर तीनों एनिमेशन लगा देते हैं तो उसका नाम बन जाता है मल्टीपल। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल एनिमेशन यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अब चलिए जरा आगे आइए, यहाँ एनिमेशन पेन के बारे में जानते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो आपकी एनिमेशन है उसकी टाइमिंग क्या है और कब कब लगी हुई है। देखो यहाँ पे पहली एनिमेशन आपकी एंट्रेंस, दूसरी रुकने वाली और तीसरी जाने वाली। अभी देखो यहाँ प्ले पे क्लिक करो तो देखो कुछ इस तरह से प्ले होगी, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। मतलब फर्स्ट ये हुई, फिर सेकेंड ये, फिर थर्ड ये, ठीक है। आप ये समझ गए, यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से एनिमेशन लग रही है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आइए ट्रिगर, लेकिन ट्रिगर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए टाइमिंग आपको दिख रही दे रही है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका ड्यूरेशन सही तरीके से रखना। क्या इसका ड्यूरेशन सही तरीके से रखना, अब वो कैसे होगा जरा वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं इसमें से इन तीनों एनिमेशन को डिलीट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो डिलीट हो गया। अब जैसे मैंने ये पहली वाली एनिमेशन इस पर लगा ली, सिंपल आपको समझाने के लिए। यहाँ ड्यूरेशन देखो, जो ये एनिमेशन हो रही है कितने सेकंड में हो रही है, 2 मिनट में हो रही है। देखो प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, देखो 2 मिनट में यहाँ पे एनिमेशन हो रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा देर तक हो, तो आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी मैंने आपको बताया मेरा टाइमिंग जो है वर्क नहीं कर रहा है इसके अंदर। लेकिन एक काम आप और भी कर सकते हो, अगर आपका भी टाइमिंग यहाँ से वर्क ना करे तो आप इसकी जो टाइमिंग है यहाँ से बढ़ा सकते हो। इस तरह से देखो मैंने 2-3 सेकंड कर दिया, देखो यहाँ से 3 सेकंड, देखो यहाँ पे बढ़ गया 3 सेकंड। लेकिन मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर में हो रहा है, शायद ही आपके कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम आए, बाकी आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम ऐसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो आप यहाँ से देखो टाइमिंग बढ़ा सकते हो। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, देखना थोड़ा धीरे ये आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। अगर आप इसे और बढ़ाना चाहते हो तो और बढ़ा दो, देखो 7 सेकंड का मैंने कर दिया, देखो 7.20 सेकंड यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। प्रीव्यू करता हूँ तो देखो और धीरे आपकी एनिमेशन इस तरह से होगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ जानते हैं डीले, डीले का क्या यूज़ है। जैसे कि मैं चाहता हूँ, डीले का मतलब होता है थोड़ी देर में रुक करके एनिमेशन होना, जैसे कि 3 सेकंड की एनिमेशन हो, प्रीव्यू पे क्लिक करते ही एनिमेशन ना हो जाए। जब प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँ, मतलब जब आपकी प्रेजेंटेशन चल रही हो पूरी लाइव स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे, तो 2 सेकंड रुक जाए, उसके बाद ये एनिमेशन शुरू हो। जैसे कहते हैं ना कि पहले ये एनिमेट हो, फिर 2 सेकंड बाद ये एनिमेट हो, ठीक है। जैसे कि पहले व्हील वाला ये एनिमेट हो जाएगा, फिर मैं कहता हूँ ये वाला एनिमेट हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। मीन्स पहले ये हो जाए, ये कब हो, देखो इसका कितना ड्यूरेशन है यहाँ पे 3.10 सेकंड। मैं इसे ऐसा करता हूँ, इसे 3 सेकंड पूरा कर देता हूँ कंप्लीट, ठीक है, 3 सेकंड का ये ड्यूरेशन, ओके। उसके बाद मैं कहता हूँ जब ये ड्यूरेशन हो जाए तो उसके बाद ये वाला ड्यूरेशन चालू हो,
कब चालू हो, 3 सेकंड के बाद। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाता हूँ और यहाँ से देखो आप डिले ऐसे सेट कर सकते हो, 3 सेकंड पे ऐसे शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मेरा डिले भी काम नहीं कर रहा है, मैं यहीं से इसको डिले को भी मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की एनिमेशन होगी, फिर 3 सेकंड रुकेगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की एनिमेशन होगी। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, आप जो ध्यान से देखिएगा, पहले ये आया, ठीक है, फिर उसके बाद 3 सेकंड रुका और फिर उसके बाद ये आया। ठीक है, सो आई थिंक आप डिले समझ चुके होंगे। अगला है रीऑर्डर एनिमेशन। मैं चाहता हूँ जो एनिमेशन इस पर लगी है, सॉरी, मैं ये चाहता हूँ कि पहले ये आए फिर उसके बाद ये आए। तो यहाँ देखो पहली एनिमेशन इस पर लगी है और दूसरी इस पर, तो इसका मतलब क्या है, पहले एनिमेट ये होगा फिर दूसरा एनिमेट ये होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहला ये हो फिर दूसरा ये हो। तो आप यहाँ से ना ऊपर नीचे कर सकते हो, देखो मैंने ऊपर कर दिया तो सेकेंड नंबर पर ये वाली आ गई और फर्स्ट नंबर पर एनिमेशन आपकी ये वाली आ गई। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए। अब देखो मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो पहले नीचे वाला आएगा अमित कुमार, ये देखो आ गया, और फिर उसके बाद आपका ये वाला आएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से आपका ड्यूरेशन, डिले और रीऑर्डर एनिमेशन वर्क करेगा। अब ये स्टार्ट ऑन क्लिक क्या है ज़रा वो देखिए। ऑन क्लिक का मतलब है क्लिक करने के बाद ही एनिमेशन शुरू हो। विद प्रीवियस का मतलब है आप क्लिक ना ही करो और ऑटोमेटिकली विद प्रीवियस मतलब पहले से एनिमेशन चलती हुई आपको मिले। ठीक है, आफ्टर प्रीवियस मतलब कि अगर आप इसे एग्जिट भी कर दो तो भी आपकी एनिमेशन चलती हुई रहे। अगर आपने गेम वाला टास्क देखा है, गेम वाली वीडियो देखी है पावर पॉइंट की, तो आपको पता होगा विद प्रीवियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो चलिए इतना तो हो गया ये आपका। अब जरा सीख लेते हैं ट्रिगर, लेकिन ट्रिगर को सीखने से पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं, एनिमेशन पेंटर। याद होगा आपको फॉर्मेट पेंटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था, एक्सेल में भी था, पावर पॉइंट में भी है। ये देखो ये रहा फॉर्मेट पेंटर। जिस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है ना, उसी तरह से एनिमेशन पेंटर का भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो इसमें व्हील इफेक्ट लगा है और इसमें स्प्लिट इफेक्ट लगा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो एनिमेशन इसमें लगी है सेम टू सेम एनिमेशन इसमें भी लग जाए। इस पर क्लिक करो, एनिमेशन पेंटर पर क्लिक करो, और किस पर एनिमेशन देना चाहते हो, यही वाली सेम इस पर, तो इस पर क्लिक कर दो, तो देखो इसमें भी आपकी व्हील एनिमेशन लग जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, मीन्स आप एनिमेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाइए जरा ट्रिगर पे। ठीक है, ट्रिगर समझते हैं यहाँ पे। तो मैं ट्रिगर समझाने के लिए आपको पहले इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और फिर अच्छे से आपको ट्रिगर समझाता हूँ। इसको रहने देते हैं छोटा सा बॉक्स। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ सर्कल। ओके, सही से नहीं आया, मैं इसे सही कर लेता हूँ पहले। यहाँ चेंज केस ये रहा, लोअर केस में लिख देता हूँ इसको। इसका कलर भी चेंज करूँगा मैं यहाँ से, अच्छा सा कोई इस तरह से। ठीक है, ऐसे सर्कल। ओके, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्टार, या फिर रखता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, इतना ही मैं दो लिख देता हूँ, सर्कल रेक्टेंगल काफ़ी है। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ सर्कल को, ठीक है, और एक रेक्टेंगल को। ओके, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मैं इस सर्कल को इससे लिंक करवाना चाहता हूँ। मीन्स मैं ये चाहता हूँ, ट्रिगर का पहले यूज़ समझ लीजिए। ट्रिगर का यूज़ ये होता है कि जैसे एनिमेशन को आप खुद से कंट्रोल कर सको, समझे, नहीं समझे तो समझिए। जैसे मैं चाहता हूँ जब इस सर्कल पे क्लिक हो तभी ये एनिमेट हो, वरना एनिमेट ना हो। ठीक है, मीन्स तब तक ना आए ये दिखाई ना दे। कब तक दिखाई नहीं दे, जब तक मैं इस सर्कल पे क्लिक नहीं कर देता। ठीक है, या फिर रेक्टेंगल पे जब तक क्लिक नहीं कर देता तब तक ये रेक्टेंगल दिखाई ना दे, या फिर इसमें कोई टास्क परफॉर्म ना हो। ठीक है, मीन्स किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, इस ट्रिगर का यूज़ करोगे। मुझे पता है अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जब वो देख लीजिए किस तरह से होगा ये। ओके, सो यहाँ पे देखो सर्कल है, मैं आ जाओ पहले यहाँ पे एनिमेशंस के अंदर और ट्रिगर में आ जाओ। ठीक है, इन पे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पे एनिमेशन कुछ लगा देता हूँ, जैसे ये वाली एनिमेशन मैंने लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें ट्रिगर अप्लाई करेंगे। इस पर मैं पहले अप्लाई करता हूँ ट्रिगर, इसको कनेक्ट करता हूँ इस सर्कल के साथ। ट्रिगर में जाओ, ऑन क्लिक पे जाओ, और ये ओवल 7 आप देख रहे हैं, ओवल 7 क्या है, ये
ये देखो, सॉरी एक चीज़ और, ये ओवल सेवन तो आपका ओवल सेवन ये है, ठीक है। सब टाइटल फोर, अब ये सब टाइटल फोर क्या है, सब टाइटल ये वाला फोर क्या है, ज़रा वो देखिए। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखिए क्या ऑन करना है, जहाँ पे आपको दिखता था ना सिलेक्शन पेन, उसे ऑन करना है। उसके लिए आप क्या करो, सर्कल पे ही क्लिक करो, फॉर्मेट में आ जाओ, यहाँ देखो मिल जाएगा सिलेक्शन पेन, ठीक है। अब ये देखो सब टाइटल फोर कौन सा है, ये वाला। इसका मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ कि मेरे को वहाँ पे सही से नाम दिखाई दे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस सब टाइटल फोर का नाम चेंज कर देता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बस लिख देता हूँ, काफ़ी है। और इस सब टाइटल फोर में सी लिख देता हूँ, सर्कल याद रहेगा मेरे को, ठीक है। आप वैसे कोई सा भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। सो इतना हो गया, अब इसे कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर आ जाइए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक, सॉरी एनिमेशंस में जाइए और यहाँ पे ट्रिगर मेथड को आप अप्लाई करिए। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप साइकिल को सिलेक्ट कर लोगे, ट्रिगर में जाओ, ऑन क्लिक ऑफ मीन्स जब किस पे क्लिक हो, इस सी वाले मीन्स इस टेक्स्ट पे क्लिक हो तब ये अपीयर हो। देखो इसके साथ अटैच हो गया ये। अब मैं इस रेक्टेंगल को अटैच करता हूँ, ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ रेक्टेंगल मीन्स जब इस रेक्टेंगल वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, तब ये रेक्टेंगल आपका आना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे जो बाकी की स्लाइड्स हैं मैं इनको अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले ट्रांजिशन एक बार देख लेता हूँ, आफ्टर हो रखिए इसे ऑफ कर दूंगा, ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इसे F5 करता हूँ, जो है वो देखो आ गया यहाँ पे। अब देखो ना तो आपके सर्कल दिखाई दे रहा है और ना ही रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। देखो जब मैं रेक्टेंगल पे ऐसे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल अपीयर होगा, और जब मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा तो आपका सर्कल अपीयर होगा। तो यही था आपका ट्रिगर, मीन्स आप किसी भी चीज़ को अपने टेक्स्ट से ट्रिगर कर सकते हो या किसी भी बटन से ट्रिगर कर सकते हो, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से किसी भी चीज़ को ट्रिगर कर सकते हो। ओके, ट्रिगर का मतलब यही होता है कि आप एक्शन रिप्रेजेंट करते हो अपने समय पे, जैसा आप चाहते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था ट्रांजिशन और एनिमेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आगे की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। इस पावर पॉइंट में सिर्फ दो वीडियोस और रह गई हैं, पहली स्लाइड शो और रिव्यू, और रिव्यू की, ठीक है। मेरे को पता है वैसे रिव्यू और व्यू तो आपको ऑलरेडी पता ही है, आता ही होगा ये सारी चीज़ें, फिर भी इसकी हम वीडियो एक बना देंगे। पावर पॉइंट अब आपका ख़त्म ही, ज़्यादा कुछ नहीं रह गया पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब ने लास्ट वीडियो के अंदर ट्रांजिशन और एनिमेशन टैब को कंप्लीट किया था, और आज हम स्लाइड शो को सीखने वाले हैं। स्लाइड शो के इसमें जितने ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इन सभी के बारे में हम डीपली एक एक करके कंटेन करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग से। इसका मतलब क्या है फ्रॉम बिगिनिंग, जैसा कि आपको याद होगा जब हमने जो भी यहाँ पे स्लाइड्स बना रखी, जैसे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अगर मैं इस फर्स्ट स्लाइड से लेकर के इन सभी स्लाइड्स को प्ले करवा के फुल स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या प्रेस करता हूँ, F5 को प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये वही है, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग मतलब अगर आप अपनी स्लाइड्स को स्टार्टिंग से दिखाना चाहते हो या प्ले करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर लेना होगा या फिर F5 कर लो, ठीक है। वही फ्रॉम बिगिनिंग की जो शॉर्टकट की होती है वही आपकी F5 होती है। जैसे कि देखिए मैंने बिगिनिंग पे क्लिक किया हुआ है और देखिए मैं स्पेस दबाता हूँ तो ये बिग मैजिक जो इस तरह से आ रहा है, स्लाइड्स जो चल रही है, देखो स्टार्टिंग से इस तरह से स्लाइड्स चल रही हैं, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट स्लाइड में क्या था आपका, बिग मैजिक था, तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड में आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रॉम बिगिनिंग वाला जो ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा। अब जरा सीखते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब क्या होता है, जरा उसको समझिए। जैसे कि आपके यहाँ पास यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें से यहाँ से है जो मेरी स्लाइड है सेकंड नंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जब मैं प्रीव्यू करूँ तो F5 करूँ तो, ठीक है। मतलब मेरे को स्पेस कर करके मीन्स बार बार आगे करके वहाँ पे लेके ना आना पड़े, मतलब मैं चाहूँ जिस स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ उसी स्लाइड से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकूँ, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। तो आप जिस स्लाइड से अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं आप पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से क्लिक करके। जैसे मेरे को अनमोल सिनेमा जो देख रहे हैं ना, जी अनमोल सिनेमा, इस वाली स्लाइड से आगे कंटिन्यू करना है, इस तरह से मेरे को प्रेजेंट करना है ये इस स्लाइड से, सेकंड नंबर मेरे को फर्स्ट स्लाइड जो है उसे प्रीव्यू नहीं करना है, ठीक है।
सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट F5 दबा दो या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक कर दो, तो आपकी जो स्लाइड होगी स्टार्ट होना वो वहीं से स्टार्ट होगी जिस स्लाइड को आपने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए मैंने एक स्पेस दबाया तो देखिए यहाँ पे क्या आया, आपका ZN मॉल सिनेमा वाली जो सेकंड नंबर की स्लाइड थी वही स्लाइड यहाँ पे आपको प्रीव्यू हुई है। ठीक है, और फर्स्ट स्लाइड जो है वो आपको प्रीव्यू नहीं हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब चलिए जानते हैं थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिलता है बोर्डकास्ट स्लाइड शो। ठीक है, अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि बोर्डकास्ट स्लाइड शो आखिरकार करता क्या है और ये होता क्या है। बोर्डकास्ट का मतलब इंटरनेट, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब बोर्डकास्ट करना अपने स्लाइड शो मीन्स जितने भी आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है, उनको आप अब इंटरनेट के ऊपर डाल दोगे। ठीक है, जिससे कि जितनी भी आपकी स्लाइड्स हैं उन सभी स्लाइड्स को पूरी पब्लिक देख सकती है। ठीक है, तो उसी को आप क्या होगे, बोर्ड का स्लाइड शो। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है जरा वो समझिएगा। आप क्या करोगे, बोर्ड का स्लाइड शो, जब अपने स्लाइड्स को बोर्डकास्ट करोगे तो आपको ये एक लिंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और उस लिंक को आप अपने दोस्तों में, मतलब जिसको अपनी स्लाइड्स को आप इंटरनेट पे दिखवाना चाहते हो, उस लिंक से, मतलब उस लिंक को आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के अंदर, और जो जो बंदा उस लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर दिया, या फिर एक आता है इसमें ऑप्शन स्टार्ट स्लाइड शो करके, आप अगर उस पर क्लिक कर देते हो तो क्या होगा, पूरे इंटरनेट पे आपने जो यहाँ पे आप यहाँ बैठ के चला रहे हो, स्लाइड्स को प्ले कर रहे हो, वो पूरे इंटरनेट पे वो स्लाइड्स आपकी शो होने लग जाएगी। मतलब क्या है कि जैसे अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो घर पे बैठे बैठे, तो आप, मतलब आप कई तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो बोर्ड का स्लाइड शो को। आपने यहाँ पे कई सारे प्रेजेंटेशन बना रखी हैं और आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स भी इस प्रेजेंटेशन को एक साथ कॉन्फ्रेंस में लेके आप पढ़ाना चाहते हो या बताना चाहते हो, प्रोजेक्ट को समझाना चाहते हो, तो सिंपल से आप अपनी स्लाइड्स को बोर्डकास्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये होगा कैसे जरा उसको देख लीजिए। यहाँ बोर्डकास्ट स्लाइड शो पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट बोर्डकास्ट आपको ऑप्शन आएगा, आप इस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ईमेल आईडी पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी पे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे अपनी ईमेल आईडी नहीं बनाई है, रजिस्टर नहीं किया है, तो आपको पहले जा करके माइक्रोसॉफ्ट पे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तभी जा करके आप इसे प्ले कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इस तरह से राइट कर देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड भी राइट कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड भी इनपुट कर लिया है, बस अब आपको यहाँ पे ओके करना है, और जैसे ही ओके करोगे आप, वैसे ही आपको ये एक लिंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल देख लीजिए यहाँ पे क्या, अभी मेरे पास मैसेज आ चुका है एरर स्टार्टिंग बोर्डकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से आई थिंक ये मैसेज आ रहा है, लेकिन आप लोग भी जरा एक बार अपने अपने कंप्यूटर में जरूर ट्राई कर लीजिएगा कि आपके में यहाँ पे कॉपी वाला लिंक आ जाता है या नहीं। ठीक है, मतलब जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी, माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देते हो और नेक्स्ट स्टार्ट पे क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। ठीक है, उसी लिंक को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे, और अगर वही लिंक कोई यूज़र अपने ब्राउज़र के अंदर क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या ओपेरा में अगर ओपन करता है, तो क्या होगा, वो आपकी स्लाइड्स को ऑनलाइन भी देख पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर हमारे इसमें एरर आ चुका है, तो मैं इसे अभी स्किप करता हूँ। बाकी जैसे ही अगर मेरे से इशू मेरे इसके कंप्यूटर में से सॉल्व होता है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम जानते हैं कस्टम स्लाइड शो को। ठीक है, अब कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है जरा उसको समझिएगा। कस्टम स्लाइड शो का मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि कस्टमाइज़ करके आप अपनी स्लाइड्स को शो करवाओगे। कस्टमाइज़ करने का मतलब क्या होता है जरा वो समझिए। जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, और मैं चाहता हूँ जो ये ZN मॉल, जो ये सोनी पल वाली स्लाइड है, ये दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, और या फिर आप, मतलब ये समझ लो कि इनमें से जैसे 3 स्लाइड है अभी मेरे पास। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक स्लाइड नहीं दिखनी चाहिए, ये वाली दिखनी चाहिए और ये वाली दिखनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा आप समझ लो। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जो ZN मॉल सिनेमा वाली स्लाइड है ये नहीं दिखनी चाहिए जब मैं इसे प्ले करूँगा। जैसे मैं देखो अभी F5 करता हूँ, तो यहाँ पे देखो पहले कौन सी स्लाइड दिखी, ये बिग मैजिक वाली स्लाइड्स दिखी आपको,
फिर उसके बाद जीएनमोल वाली स्लाइड देखी, फिर उसके बाद सोनीपल वाली, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जो जीएनमोल सिनेमा वाली स्लाइड है ये आपकी दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है, बस यही दिखे और इसके बाद ठीक ये वाली शो हो जानी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्लाइड्स को कस्टम शो के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे रखेंगे जरूर देख लीजिए, कस्टम स्लाइड शो में आप जाएंगे, कस्टम शोज पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पे आप अपने उस कस्टम शो का नाम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपने कस्टम स्लाइड्स का नाम, मतलब जो भी आप व्यू या शो कह रहे हो उसका एक नाम डिफाइन कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नाम डिफाइन कर देता हूँ डेमो करके, ठीक है। अब आप ऐड कर दो कि आप इस शो के अंदर जो अभी आप शो करवाने वाले हो अपनी स्लाइड्स को, उस शो के अंदर कौन कौन से स्लाइड्स को रखना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ फर्स्ट स्लाइड रखना, तो ऐड कर दो यहाँ पे, और थर्ड स्लाइड रखना तो इसमें ऐड कर दो। देखो यहाँ फर्स्ट और थर्ड स्लाइड आपकी ऐड हो चुकी है, ठीक है। और आप इसे ऊपर नीचे अगर करना चाहो तो यहाँ से भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, अप एंड डाउन यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और सीधा मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको F5 से उसे प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ शो देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करके उसे शो करेंगे। तो देखिए मैंने शो पे क्लिक किया, अब देखो पहली स्लाइड कौन सी आनी चाहिए, बिग मैजिक वाली आनी चाहिए, तो देखो बिग मैजिक वाली आ गई, ठीक है। अब कौन सी आनी चाहिए आपकी, जो वो सोनीपल था वो वाली स्लाइड, तो देखो मैं स्पेस दबाता हूँ, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट कौन सी स्लाइड आई आपकी, सोनीपल वाली स्लाइड आई, और देखो यहाँ पे आपकी स्लाइड एंड, ठीक है। अगर वापस से उसी स्लाइड को आप दिखाना चाहते हो तो F5 नहीं करोगे, कहाँ जाओगे, यहाँ पे, और यहाँ देखो जो भी अभी हमने एक कस्टम शो बनाया था ना डेमो के नाम से, आप इस पर क्लिक करके इस अपनी स्लाइड को शो करवा सकते हो कस्टम रूप से, ठीक है। मतलब जो स्लाइड आप चाहो उस स्लाइड को शो करवा लो, ठीक है। और हटाना है इसको तो कस्टम शोज पे वापस से जाओ और अपने इस डेमो वाले शो को आप रिमूव कर लो, ठीक है। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि कस्टम स्लाइड शो का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब चलो जान लेते हैं सेटअप स्लाइड शो में कि क्या ऑप्शंस हैं और ये किस वक्त काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन अभी हम इन सभी ऑप्शंस पे काम नहीं कर पाएंगे। इसमें से जो मेन ऑप्शंस हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शो ऑप्शंस के अंदर आपको दिखता है लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप। अगर आप इस ऑप्शन को टिक करके ओके कर देते हो तो आपकी स्लाइड कभी भी एंड नहीं होगी, बल्कि आपकी जो स्लाइड है बार बार जैसे ही एंड होगी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, रिपीट होती जाएगी आपकी स्लाइड। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ, F5 देखिए मैंने किया और देखिए मैं स्पेस दबाता हूँ, मैजिक आया, फिर उसके बाद जीएनमोल सिनेमा आया, फिर उसके बाद सोनीपल आया, और फिर उसके बाद देखो फिर से बिग मैजिक स्टार्ट हो गया। तो देख रहे हैं आप, इससे आपकी जो स्लाइड है वो ख़त्म नहीं होगी बल्कि रिपीट होती जाएगी जब तक कि आप एस्केप बटन को नहीं दबा देते, ठीक है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने एस्केप बटन को प्रेस करके इसे हटा देता हूँ। तो आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप जो ऑप्शन है वो किस काम में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शो विदाउट नरेशन, ठीक है। तो नरेशन, शो विदाउट नरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप इसको चेक कर देते हैं और अगर आप अपने इस स्लाइड में कोई साउंड ऐड करते हैं तो वो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, ओके। तो अभी फ़िलहाल मैं देखो इसे ओके कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं ट्रांजिशन में जाता हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं मैं फर्स्ट स्लाइड पर ज़रा साउंड लगा देता हूँ, जैसे ये वाला साउंड, ओके। यहाँ पर मैं साउंड पर क्लिक करता हूँ और ज़रा एक बार F5 करके देखता हूँ, ये देखो साउंड आया आपको, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आइए, जरा स्लाइड शो में सेटअप पे जाइए और यहाँ पे देखो हमने क्या शो कर रखा है, शो विदाउट नरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी देखो हमने साउंड ऐड किया लेकिन फिर भी यहाँ पे जो साउंड था वो आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है जरा वो हम बाद में जरा डिस्कस करेंगे। अभी जरा देख लीजिए, शो विदाउट एनिमेशन, जो भी एनिमेशन लगी होगी अगर आप इसको चेक कर देते हो तो आपकी जो एनिमेशन है वो दिखना बंद हो जाएगी, ठीक है। मैं ओके करके F5 करता हूँ तो यहाँ पे देखो जितनी भी एनिमेशन थी वो सब आपको अभी नहीं दिख रही है, ठीक है। और रही बात अभी जो इस शो विदाउट नरेशन वाला जो हमने अभी बात किया था, अभी आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको हम बाद में देखेंगे कि इसमें हमने क्या प्रॉब्लम करी है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे जो प्ले नरेशंस वगैरह ये देख रहे हैं, इसी में ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कवर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको स्किप करना क्योंकि अभी ये हमारा वर्क नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों तो समझ में आ गया होगा, लूप कंटिन्यूसली अनटिल एस्केप और
शो विदाउट एनिमेशन कि इन दोनों की यूज़ क्या है। अगर आप इसको चेक रखते हो लूप कंटिन्यूसली को, तो आपकी जो स्लाइड है वो मैक्सिमम टाइम अब बार बार रिपीट होती जाएगी, और अगर आप शो विदाउट एनिमेशन को चेक कर देते हो तो आपने जितनी भी इसमें एनिमेशन लगाई होगी वो एनिमेशन आपकी वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो अभी फिलहाल इतना ही इसके अंदर समझिए और इसे आप ओके कर लीजिए फिलहाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी इसके अंदर के भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड स्लाइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हो। जैसे मेरे को जी अनमोल सिनेमा वाली जो स्लाइड है उसे हाइड करना है, इस पर सेलेक्ट करिए, हाइड पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये आपकी स्लाइड जो है वो हाइड हो जाएगी। और जब आप इसे प्ले करोगे मीन्स प्रीव्यू करोगे तो ये वाली जो स्लाइड है आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे F5 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपकी पहले बिग मैजिक वाली फ़ाइल आई, उसके बाद देखो सोनी पल वाली आपकी फ़ाइल आ गई। इसका मतलब जो ये स्लाइड थी ये हमने हाइड कर दी है। अनहाइड करने के लिए वापस इस पर क्लिक कर दीजिए, आपकी जो स्लाइड होगी वो अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग्स। इसका मतलब क्या होता है जरा उसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा। जैसे कि आपको एक स्लाइड शो का प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, आपने एक प्रेजेंटेशन बना के रखी है और आपको क्या करना है, ऑफिस के अंदर जाके खड़े होके प्रेजेंटेशन प्रीव्यू करनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे खुद से टाइम डिसाइड करना है कि मैं इस स्लाइड को लेकर के कितने मिनट इसके ऊपर बोल सकूँगा, या फिर मैं जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो ये पहली वाली जो स्लाइड है वो कितने सेकंड तक स्क्रीन पर रहे, फिर सेकंड स्लाइड जो है वो कितने सेकंड तक स्क्रीन पर रहे, और जो थर्ड स्लाइड है वो कितने सेकंड तक स्क्रीन के ऊपर रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप इस रिहर्स टाइमिंग से डिफाइन कर सकते हैं। जो देखिएगा कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फुल स्क्रीन में खुल जाएगा, और जैसे जैसे आप नेक्स्ट करते रहेंगे वैसे वैसे ये आपकी टाइमिंग को रिकॉर्ड करते जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिहर्स टाइमिंग पे। देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए टाइमिंग आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी मैं स्पेस दबाता हूँ, देखो बिग मैजिक आ गया, फिर उसके बाद ये बिग ये दबाता हूँ फेस स्पेस, तो ये हमारा बिग आ चुका है। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे 15 सेकंड तक रुकने वाला हूँ, और 15 सेकंड के बाद मैं इसे अगर आगे भगाता हूँ तो देखो 15 सेकंड तक मेरी पहली स्लाइड रिकॉर्ड हो गई होगी। उसके बाद मेरी यहाँ पे दूसरी स्लाइड आ चुकी है, इसको मैं 30 सेकंड के ऊपर फॉरवर्ड करने वाला हूँ, तो इसको भी मैं 15 सेकंड दे देता हूँ, 14 सेकंड, ये देखिए। फिर मैंने यहाँ पे 30 के ऊपर इसके ऊपर मतलब मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पे ये जो स्लाइड है आपकी कितने सेकंड रुक रही है अभी, ये 10 सेकंड रोक देते हैं बस, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने अपनी तीनों स्लाइड का टाइमिंग जो था वो डिफाइन कर लिया इस तरह से, इसे यस कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है आपकी जो पहली स्लाइड है वो कितने सेकंड रुकेगी, 17 सेकंड, सेकेंड जो स्लाइड है वो 14 सेकंड, और ये 11 सेकंड, वो थोड़ा हमें रोकने के लिए मतलब जब यहाँ 10 हो गया तभी हमने स्पेस दबाया तो इसने एक सेकंड और ले लिया, तो इतना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक सेकंड से फिलहाल। अब जो है देखिए, अब मैं F5 करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं दबाऊँगा, जैसे जैसे यहाँ पे मतलब जितने सेकंड तक यहाँ पे डिफाइन है उतने सेकंड तक ही आपकी जो स्लाइड है वो अपने आप एग्जीक्यूट करती जाएगी। ठीक है, देखिए मैं F5 करता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं करना है, सिर्फ छोड़ रखा है मैंने। अभी देखो अपने आप ही जैसी टाइमिंग होगा वैसे ही आपकी स्लाइड आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई थिंक हमने 17 सेकंड तक रखा था, तो ये 17 सेकंड तक हमारी चलेगी, देन उसके बाद ये अपने आप ही दूसरी स्लाइड पे मूव कर जाएगी। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आपकी जो स्लाइड्स हैं वो मूव कर रही हैं ऑटोमेटिकली। अब ये हमने 15 सेकंड तक रोका था, और इसके बाद जो सोनी पल वाली स्लाइड थी वो आपकी आई थिंक 11 सेकंड तक थी, तो ये भी देखिए 11 सेकंड तक ही आपकी रुकने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिहर्स टाइमिंग का यूज़ करके अपनी स्लाइड्स को टाइमिंग दे सकते हैं कि जो मेरी स्लाइड्स है वो कितने सेकंड तक रुकनी चाहिए और कितने सेकंड तक रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जरा आपने नोटिस किया कि इसने सिर्फ स्लाइड्स को रिकॉर्ड किया, एनिमेशंस को रिकॉर्ड किया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को एक प्रॉपर वीडियो बनाना है, मतलब हर एक स्लाइड के ऊपर, जैसे कि मैं चाहता हूँ फर्स्ट स्लाइड जब मैं ओपन करूँ तो मैं उसमें कुछ अपनी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकूँ। ठीक है, नहीं समझे, जैसे फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब मेरी ये फर्स्ट स्लाइड जो है, ये वाली फर्स्ट स्लाइड, ये स्लाइड जब स्क्रीन पे ओपन हो, ठीक है, तो मैं
इस एनिमेशन के साथ, मतलब जैसे यहाँ पे हमने 17 सेकंड तक इसको रिकॉर्ड करके रखा है एक तरीके से, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 17 सेकंड के अंदर अंदर मतलब मेरी कुछ वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाए। ऐसा अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ मेरे साथ इस स्लाइड के साथ वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप ऐसा फीचर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड स्लाइड का, ठीक है, रिकॉर्ड स्लाइड शो का। ओके, तो ये कैसे वर्क करता है, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करेगा, बस इसके अंदर जो भी आपकी वॉइस वगैरह होंगी इसे भी ये रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो जब देखिए कैसे वर्क करता है ये आपका, ठीक है। फिलहाल देखो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ लिखा आ रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। अब इन दोनों का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करना, करंट स्लाइड का मतलब जहाँ पे अभी आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी स्लाइड से रिकॉर्ड करना, ठीक है। और यहाँ देखो क्लियर का ऑप्शन आ रहा है अभी, ठीक है। क्लियर का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी जो टाइमिंग्स हैं वो सेट कर रखी हैं, किसकी वजह से, रिहर्स टाइमिंग की वजह से। तो इसीलिए मेरे को क्लियर का ऑप्शन आ रहा है, बोल रहा है कि आप इन सभी स्लाइड्स का टाइमिंग जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आप यहाँ से इनकी जो टाइमिंग है उनको आप क्लियर कर सकते हो। देखो लिखा है ना क्लियर टाइमिंग ऑन ऑल स्लाइड्स, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो सबका जो टाइमिंग आ रहा था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम वापस से इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड स्लाइड शो पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखिएगा स्टार्ट, देखो यहाँ पे लिखा है नरेशन एंड लेज़र पॉइंटर। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया जो नरेशन का मतलब होता है, जो आपकी वॉइस होंगी वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी इसमें इसी के साथ। देखो मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे अब क्लिक करता हूँ। सो मैंने देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। और देखिए जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ अभी रिकॉर्ड हो रही होंगी, ठीक है। सो मैं इसे 9 सेकंड पे रखता हूँ और इसको मैं 3 सेकंड में ही फॉरवर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे 1 सेकंड भी नहीं दिया मैंने। और यहाँ पे ये आपका जो रिकॉर्डिंग था ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे जो साथ में देखिए यहाँ नीचे इसके आइकन भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आइकन भी यहाँ पे वॉइस का आइकन भी आ गया है, ठीक है। अब जो देखिए अब अगर आप इसे F5 करके प्रीव्यू करवाएंगे तो क्या होगा, आपका जो टाइमिंग आपने इसमें डिफाइन करी उस टाइमिंग से चलेगा और साथ ही साथ आपकी वॉइस भी आएगी, ठीक है। सो जो देखिए यहाँ पे मैं F5 करता हूँ तो देखिएगा वॉइस भी आएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। सो मैंने देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। और देखिए जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ अभी रिकॉर्ड हो रही, ठीक है। सो मैं इसे 9 सेकंड पे रखता हूँ और इसको मैं 3 में ही फॉरवर्ड। सो देखा आपने किस तरह से इसने मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब जो वॉइस यहाँ पे आई हैं, जो भी रिकॉर्ड वॉइस हैं, अब चाहते हो कि जब मैं प्ले करूँ तो ये वॉइस ना आए, तो आप यहाँ देख रहे हैं प्ले नरेशंस जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी चेक हो रखा है। अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं, ठीक है, और फिर अगर F5 करेंगे तो जो वॉइस आप देख रहे थे अभी, सुन रहे थे वॉइस को, वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो आइकन आ चुका है ऑलरेडी, और देखो लिखा आ रहा है मीडिया नॉट फाउंड, और ये ऑटोमेटिकली अपने टाइमिंग पे ही ये स्लाइड्स चलने लग जाएंगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ अभी। अगला है यूज टाइमिंग्स, ठीक है। देखो यूज टाइमिंग भी आपका चेक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टाइमिंग जो आपने सेट किया है वो वर्किंग मोड में है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट इनका टाइमिंग होता है 0.0 सेकंड, उस पे ये चलने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मैं देखिए F5 करता हूँ और यहाँ पे देखना ये ऑटोमेटिकली अपने टाइमिंग पे चलने लग जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अपने टाइमिंग पे देखो नहीं चल रहा, इसे हमें खुद से चलाना पड़ेगा स्पेस दबा के। देखो अभी मैंने कुछ भी स्पेस वगैरह नहीं दबाया है, स्पेस दबाता हूँ तब देखो ये बिग मैजिक यहाँ पे आया है, फिर से स्पेस दबाता हूँ तब देखो फिर ये बिग आया, मतलब आपको कस्टम बार बार इसे फिर खुद से चलाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल स्किप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इस यूज टाइमिंग को ऑन रखेंगे तो जो आपने यहाँ टाइमिंग दी थी उसके हिसाब से ही चलेगा, और अगर आप इसे हटा देते हैं तो क्या होगा, आपको खुद से इसे स्पेस के माध्यम से या एंटर के माध्यम से या माउस के माध्यम से इसे खुद से चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है शो मीडिया कंट्रोल। ये अगर ऑन है तो क्या होगा, जैसे कि आपने इसके अंदर कोई वीडियो को इंसर्ट किया है तो उस वीडियो को
प्ले पॉज करने वाला जो बटन होता है वो आपको देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार करके देख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर जो ऑप्शंस थे वो सारे के सारे मैंने फ़िलहाल आपको करवा ही दिए हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर बात आती है रिजोल्यूशन। ये क्या है? ये रिजोल्यूशन जो देख रहे हैं, जो भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी रिजोल्यूशन आखिर क्या होनी चाहिए, मतलब उसका साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप कम से कम छोटा साइज़ लेते हैं तो आपकी फास्ट एकदम रिकॉर्ड होगा, फास्ट लोड होगा, और अगर आप थोड़ा हाई लेते हैं तो आपकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होगी, आउटपुट जो मिलेगा वो थोड़ा स्लोएस्ट में मिलेगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसे एक्सपोर्ट वगैरह करने में। ठीक है, सो यहाँ पे और जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, शो ऑन, यूज़, प्रेजेंटर व्यू, ये सब एक ही साथ नहीं हो सकता। अभी जो जो ये ऑप्शंस आप देख रहे हो, इन ऑप्शंस का यूज़ आप कहाँ करोगे मैं वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि अभी तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको प्रोजेक्टर या फिर किसी दूसरे मॉनिटर स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये इनका यूज़ जो होता है, जैसे आप इसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अपने स्लाइड्स को एक साथ प्रीव्यू करवा सकते हो इन सब की मदद से, इन दोनों की मदद से। ठीक है, फिलहाल तो अभी मेरे पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं नहीं जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, वैसे भी अगर होते भी तो मैं आपको कैसे करके दिखा पाता इस वीडियो के अंदर। ठीक है, फिलहाल मैं बस आपको बता देता हूँ। वैसे भी अगर आपको ना सभी के अंदर प्ले करना है तो आप यूज़ करोगे बोर्ड का, स्लाइड शो का। बाकी जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप एक बार इसे ट्राई जरूर करके देखिएगा, शायद आपके कंप्यूटर में ये सही तरीके से वर्क कर जाए। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करिएगा।